एंड द सेम इज द रोल में फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स। हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है आने वाले दिनों में 1900 का, जिसमें हम स्कॉलरशिप्स भी देंगे स्टूडेंट्स को, जो करेंगे वो 6 महीने का बैच होगा, तो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। जी लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट सर, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर शर्जीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आईकोड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वेबिनार। सो आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। सो आईकोड गुरु का मोटो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड स्किल्स हैं उन पे काम करना, अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी टेक्निक्स और स्किल्स शेयर करना जो कि मार्केट में वैल्यूबल हैं, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना वेबिनार्स और हैकाथॉन्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? पर डे आईकोड पे 10 सेशंस रन किए जाते हैं, एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं और 2 वीकली वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं वीकेंड्स पे। इसके अलावा आईकोड जो है लीड कोड के सेशंस रन करवा रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम फैंग कंपनीज के इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकें, और फ्री आयर्स और जीआर के कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इजीली ग्रैब कर सकें। प्रोग्रामिंग पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, सीएस और नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक सेशंस जो हैं पाइथन के आईकोड पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एडवांस कोर्सेज जो हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जैसे कोर्सेज जो हैं, डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज आईकोड पे रन किए जा रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल कोर्स इन लीड कोड सेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आईकोड इस पे काम कर रहा है कि हम डीएसए के कोर्सेज जो हैं, अभी भी आईकोड पे डीएसए के 2 कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम लीड कोड के क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें और सॉल्व कर सकें। ये सारे सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है वो फेसबुक पेज पे अवेलेबल होती है। इन केस अगर हमारा कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है और हम क्लास में नहीं पहुंच पाते तो हम आईकोड के ऑफिशियल फेसबुक पेज से रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो बात करते हैं आईकोड की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो 400+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड हेल्प करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस जो हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम इजीली ग्रैब करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। तो इसके लिए जैसे मैंने मेंशन किया कि आर्ट्स और जीआर के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि हम अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्किल्स को एनहेंस करें ताकि हमारे को जो एडमिशन्स हैं सिक्योर करने में प्रॉब्लम ना हो। आईकोड हेल्प करता है लोकल इंटरनेशनल जॉब्स और इंटर्नशिप्स को ग्रैब करने के लिए। और मेन अचीवमेंट 2024, हॉवर्ड में का एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होता है CS50 पजल डे जो हॉवर्ड ऑर्गेनाइज करता है। तो 2023 में पाकिस्तान से 11 मेंटर सेलेक्ट हुए थे, 10 आईकोड से थे, और इस साल 2024 में विच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, 38 पाकिस्तान टीम्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर 9x9 पजल जो है वो सॉल्व किए CS50 पजल डे इवेंट में जो कि हॉवर्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया है। और हमारी जो पाकिस्तान की रैंक है वो 4th आती है, और 666 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि आईकोड पे हमारे साथ हैं, हम सब ने मिलके जो है पार्टिसिपेट किया, और जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने हाईएस्ट स्कोर जो है वो गेन किया है। बेसिकली CS50 में 9 पजल्स होते हैं और हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने 9x9 पजल्स जो हैं सॉल्व किए हैं। इसके अलावा आईकोर जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए 2 हैकाथॉन्स, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स जो है पर मंथ इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल
जो के स्पीकर्स हैं उनसे बात कर सकें और उनकी जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो शाइन करें जब अपने अचीवमेंट्स के बारे में वहाँ पे मेंशन करें। द अनदर कॉम्पिटिशन एंड पॉपुलर इवेंट कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। 2023 में हमारे 11 मेंटर सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 10 जो हैं वो आई कोर्ट से थे। अच्छा, मैंने ये लाइन ज़रा मिस कर दी है, हॉवर्ड के बारे में, जो हमारा पिछले साल था वो, उसमें भी हमारी जो टीम थी वो हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ द टीम थी। 9x9 पजल सॉल्व किए थे। कोड इन प्लेस की जो मैंने लाइन एक यहाँ पे आई थिंक रिप्लेस कर दी है, वो ये थी कि कोड इन प्लेस जो है 2023 में 11 मेंटर्स सेलेक्ट हुए थे, 10 जो हैं आई कोर से थे और ऑल ओवर दी जो हमारे पाकिस्तान से थे वो 11 थे। 2024 में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, 71 मेंटर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं कोड इन प्लेस के लिए आई कोर से, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है और ये एक मेन अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रही है, और पाकिस्तान जो है फोर्थ रैंक पे आता है और 666 पार्टिसिपेंट ने इस कंपटीशन में, इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। ओके, अनदर कोडिंग कंपटीशन गूगल कोड जैम 2023 में हाई कोर्ट की तरफ से 301 जो है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इस तरह जो कि 2022 में गूगल हर साल जो है ये जो कोडिंग कॉम्पिटिशन से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन 2023 में जो कि हाईएस्ट हमारे स्टूडेंट्स की तादाद रही है पार्टिसिपेशन की, वो 2023 में रही है। सो विच इज़ आई मेंशन क्या। इसके अलावा 3 इंटर्न्स जो हैं हमारे वो इतिहाद अबू धाबी, इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए थे अबू धाबी एक इंटरनेशनल हैकाथॉन को विन करने के नतीजे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आई कोड का रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं आई कोड के। सो आज के वेबिनार की तरफ जाते हैं, जो कि टाइटल है रोड मैप बिकम अ डेटा साइंटिस्ट फॉर यूएसए एआई डोमेन्स एंड एप्लीकेशन। और हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं सर शर्जील इम्तियाज़। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि सर ने जो अपनी एजुकेशन है वो एमएससी कंप्लीट की थी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर साइंस। देन सर ने अपना एमएस जो है वो कंप्लीट किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एमएस डेटा एनालिसिस एंड डेटा बेसिस में। और देन ही वेंट यूएसए फॉर वेंट अब्रॉड फॉर कंप्लीट हिज पीएचडी। सर की जो पीएचडी है वो एनएलपी में है डेटा साइंस, और सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। बात करते हैं सर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बारे में। तो ही स्टार्टेड इंडस्ट्रियल जर्नी एज मशीन लर्निंग इंजीनियर इंटर्न एट नेटसोल टेक्नोलॉजी। फिर सर ने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस इब्रा में एज अ डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर और ट्रेनर। देन ही ज्वाइन ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क एज डेटा साइंटिस्ट, देन वर्कड एज यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन आसो। यूडेसी में सर ने एज अ प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम किया। नाउ ही इज़ वर्किंग एज यून यूनदे ग्लोबिस यूएसए एज अ प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट। सो सर, हम अपने आज के वेबिनार में आपका वेलकम करते हैं, और हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सर आप हमसे बात करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो सर, हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ऑडिबल आई थिंक सो, डॉक्टर जफर, बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और बाकी तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया वो अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को। लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, और रिसेंटली थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूँ। मैं सिस्को में अभी काम कर रहा हूँ बे एरिया में, बट आई एम वर्किंग रिमोटली, एक्चुअली आई एम इन लॉस एंजलस। तो ये मेरा करंट स्टेटस है। लेट मी शेयर सम ऑफ द स्क्रीन, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। ओके, द स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक सो। नहीं? यस यस सर, सर। जी सर, जी सर। यस सर। अच्छा, जी। अच्छा, जो लेट
लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एक्चुअली आल्सो इफ यू डोंट माइंड. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. द स्क्रीन इज विजिबल. तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. अभी मैं रिसेंटली सिस्को के साथ एसोसिएट हूँ. मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता हूँ, और इससे पहले मेरी एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी रही है, इंडस्ट्रियल भी रही है, ये आपको पता लग गया मेरा बैकग्राउंड. लेकिन एक पाथवे मैंने देखा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने इकरा में पढ़ाया, माजू में भी पढ़ाया, मैंने हमदर्द में भी पढ़ाया था, पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा रहा हूँ. तो आई फेस के मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को जो प्रॉब्लम है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एमएस के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया, अभी मेरे पास पीएचडी के भी एक स्टूडेंट स्टिल है. लेकिन मुझे जो फील होता है कि जो क्रक्स है कि अप्रोच क्या है. कोर्स तो आपको आई कोड वाले बड़ा अच्छा प्रोवाइड करेंगे, और मशीन लर्निंग का कोर्स आपको मिल जाएगा, डाटा साइंस के कोर्स और स्किल्स मिल जाएंगे, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है आपने, फिर इंडस्ट्री में उसकी ट्रांजिशन कैसे करनी है, और वो कौन से स्किल्स हैं, किस तरह से आप उसको अप्रोच करें कि वो आपको इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशंस में हेल्पफुल हो. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक सो आई शुड शेयर ओनली द स्क्रीन. पावर पॉइंट, 1 मिनट. यस ओके राइट. तो लेट पहले तो मेरा रोड मैप में आप कुछ स्किल सेट देखेंगे. मैंने सिर्फ स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा रोड मैप बनाया कि मेरा रोड मैप ये था कि मैंने डिग्री की स्टार्ट की, मैंने फंडिंग प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप देख रहे होंगे. और पढ़ाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देखें, आप काम लर्निंग करते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग इट्सेल्फ और मशीन लर्निंग इट्सेल्फ लर्न करने से आपको डाटा साइंस नहीं आएगी, ना ही आपको डाटा साइंस का कोर्स पढ़ने से डाटा साइंस आएगी. डाटा साइंस आती है जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं. तो एक तो मैं बड़े वो वाले स्किल आपको देना चाह रहा हूँ जो जिससे आप ट्रांजिशन करें डाटा साइंस की डोमेन में, इंडस्ट्री में, और जो स्किल आप इंडस्ट्री में ले सकते हैं. तो पहला स्टेप आपका ये है कि आप आई कोड से प्रोग्राम करें, कोर्सेज करेंगे, साथ साथ आपने जो डाटा लेना है वो आपने इस एक वेबसाइट है, यूसीआई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अरवाइन की वेबसाइट है, इस पे आपने जाना है. इस पे बहुत सारे डाटा सेट्स पड़े हैं. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका पहला स्टेप है. आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीख रहे हैं, आपने डाटा सेट यहाँ से लेना है, और आपने पाइथन के अंदर एक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फ्रेम है, या आपने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, तो डाटा सेट लेके उस वेरिएबल को इधर इस यूसीआई डाटा सेट से उस वेरिएबल को रीड करें. तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, अगर आप वेरिएबल भी सीख रहे हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है, या वो यूसी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इवन वो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उस डेटा सेट पे प्रैक्टिस करें. जी मैं सर सर जी स्क्रीन जी स्टक है, प्रेजेंटेशन मूव नहीं कर रही। 1 मिनट. एंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ शेयर जी. इज इट ओके? ओके नाउ? सर जी सर अच्छा, ये पहला स्टेप है. ये आपका जो आपने जो आपने मैंने आपको जो थर्ड स्टेप में बोल्ड किया हुआ है कि डेटा सेट आपने यूसीआई से लेना है, और यूसीआई में डेटा सेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं. मैं इसके बारे में डिटेल में आपका कहूँगा. मैंने भी ऐसे ही किया था, और मैं आपको अपना रोड मैप बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट यूसीआई की डेटा सेट से किया. और इसके अलावा मैंने वैसे तो 2005 में मैंने मशीन लर्निंग पे काम शुरू कर दिया था. जब मैंने इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने के मीन एल्गोरिथम, एक बेसिक एल्गोरिथम है, वो मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, वो आप सीख लेंगे आई कोड से. तो उसमें उसी एल्गोरिथम को एक डाटा सेट पे अप्लाई कर दिया मैंने. तो कहने का मकसद है जो भी आप लर्निंग करते हैं वो डाटा सेट या प्रॉब्लम पे करते हैं. तो जहन में रखें कि आपने कुछ भी लर्निंग करनी है, पाइथन भी सीखनी है, ये नहीं कि आप सिंपल डमी वेरिएबल्स ए बी सी डिक्लेयर करें, आप कोई डाटा सेट लें, उसको रीड करें. पहली बात तो आपको लिए मैं ये इंपॉर्टेंट बात है. दूसरी चीज ये है कि आपका एम होना चाहिए वो वाली केस स्टडीज, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये चौथा स्टेप है. आपका एम होना चाहिए वो वाली केस स्टडीज और प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और वो इंडस्ट्री में भी है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल दिए, क्रेडिट स्कोरिंग ये केस स्टडी है बैंक के लिए. अब मजे की बात यह है कि यूएसए के अंदर क्रेडिट
क्रेडिट स्कोर की केस स्टडी तो बहुत ज्यादा है, हर जगह पे क्रेडिट स्कोर यूज हो रहा है, और वो यूसीआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और वो आपकी इंडस्ट्री में भी अवेलेबल है। अब वो वाले प्रोजेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं यूसीआई की डाटा वेबसाइट से, जिन जो के इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको आज इस तरह से ओवरव्यू दूंगा कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस तरह से आपने स्किल्स को अप्रोच करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मशीन लर्निंग लर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू अप्रोच दैट। फिर आप जब इस पे एक अदर डेटा सेट पे जो आप अच्छे रिजल्ट ले आते हैं, आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग सीख लेते हैं आई कोड से या किसी प्लेटफॉर्म से, तो फिर उसको अप्लाई कर लेते हैं इधर, साथ साथ सीखते जाएं साथ साथ अप्लाई करते जाएं डेटा सेट लेके, एंड देन यू गो टू द फंडिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, फंडिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अब देखें, फंडिंग प्रोजेक्ट्स का ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे HEC ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पे आपको फंडिंग मिल जाती है, और बड़ी पार्शियल फंडिंग मिल जाती है, हर साल मिलती है। अब अपने जो भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, जो फाइनल ईयर के हैं, वो तमाम के तमाम HEC के प्लेटफॉर्म से फंडिंग प्रोजेक्ट करें। उसकी वजह ये है कि जब आप फंडिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से लिंक करें उसको, और उसी को उसी पे ही फोकस करें। डोंट गो फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम राइट अवे। अगर आपका एम है PhD करना तो आप रिसर्च प्रॉब्लम पे जाएं। वैसे तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम भी इंडस्ट्री में मिलेंगी, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दैट्स अनदर थिंग के रिसर्च प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं USA के अंदर, और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पे पहले फोकस करते हैं। यानी आपने क्या करना है कि फाइनल ईयर के अंदर आपने इस स्टेप के अंदर जहां मैंने फंडिंग प्रोजेक्ट पे अप्रोच किया, आपने भी फंडिंग प्रोजेक्ट पे अपने अप्रोच करना है। देन मैंने बहुत सारे जो लर्निंग की वो मैंने टीच की। आपका काम भी ये है कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप करें अपना इंडस्ट्री के अंदर जाके, और मैंने फिर एक बुक लिखी आर्क लैंग्वेज में, बिग डेटा पे, फिर वर्कशॉप दी, ट्रेनिंग दी, एंड देन आई वेंट टू मूव टू इंडस्ट्री इन USA। और फिर मैंने ये आपको ब्रीफली इन्होंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया, यूडेसी, हुंडई और निसान और सिस्को। निसान में मैं बेसिकली ऑन पैरेलल कंसल्टेंट, सिस्को मेरा प्राइमरी कंसल्टेंट हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैं इनकी बहुत ही एक क्रंच प्रॉब्लम है उस पर काम कर रहा हूँ, आई विल गिव यू ओवरव्यू। तो अब बात करते हैं, देखें ये मेरे, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इंटरनेट से डायग्राम निकाल के आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दूं, मेरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि बड़ी शॉर्टली और ब्रीफली कि कौन से क्रंच स्किल चाहिए डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए, तो हम उसकी बात करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट योर रोड मैप। तो आपके रोड मैप तक पहुंचने के लिए आपको एक डाटा साइंस के, आपका जो रोड मैप है उस तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेटा साइंस का प्रोसेस। तो देन यू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट को अगर आप देखें, ये नीचे आपको एक बड़ी लंबी सा एक बॉक्स बना हुआ है, बड़ा लंबा सा ये बड़ा जो बॉक्स है, ये कह रहा है कि भाई आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले कलेक्शन करें डेटा की, क्लीनिंग करें उसको, डेटा, ये सब डेटा की बात हो रही है। वो कह रहा है कि ये फेजेस हैं डेटा के, डेटा की कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को क्लीन कर लेते हैं, डेटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं, डेटा पे मॉडल अप्लाई करते हैं, डेटा को ही डिप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जो आपके टोटल 5 फेजेस हैं, आप इसको इंडस्ट्री में भी ऐसे ही अप्लाई करते हैं, मैं भी इसको ऐसे ही अप्लाई करता हूँ, हम लोग काम भी इसी तरह से करते हैं, और रिसर्च प्रॉब्लम भी आती है तो हम इसी तरह काम करते हैं। आपने जो काम करना है इंडस्ट्री में, टीचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी करना है, आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, डाटा एनालिस्ट बनना है, डाटा इंजीनियर बनना है, आपने इन्हीं 5 फेजेस में काम करना है, इन्हीं 5 फेजेस के अंदर। तो मेन फोकस हमारा डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स है इसके अंदर। तो क्योंकि डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के स्किल्स सिमिलर होते हैं किसी जगह पे, जैसे मॉडलिंग फेज में और मॉडल डिप्लॉयमेंट पे, तो आपका फोकस इन दो रोल्स पे होना चाहिए। ठीक है, NLP इंजीनियर भी कह सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर की एक और सब टाइप NLP इंजीनियर है। डाटा साइंटिस्ट जो होता है वो उसकी एज सच कोई सब टाइप नहीं है, उसको लीड डेटा साइंटिस्ट होता है, मैं लीड डेटा साइंटिस्ट हूँ, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट हूँ, समहाउ मैं मैनेजर भी कह सकते हैं कि एक अदर रोल रोल पे मैंने कुछ टास्क किए थे जीरा वगैरह पे। तो ये बेसिकली ये स्किल सेट है। तो इस स्किल सेट पे हम बात करते हैं कि ये पहले फेज में कौन सी स्किल चाहिए हमें, कलेक्शन के वक्त क्या चाहिए,
कलेक्शन के वक्त कुछ भी नहीं, जब आपकी बात हो रही है तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें करूंगा, मैं एडवांस एडवांस की बात नहीं कर रहा। जब बेस एबीसी पे हम बात करते हैं कि पहला स्टेप यही है, जब आप कोई भी कोर्स पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग आपको मॉडल फेज से स्टार्ट करता है, तो ये वाली चीजें आपको छोड़ देता है। लेकिन जब आप डाटा साइंस के कोर्स की बात करते हैं तो वो डाटा साइंस का कोर्स आपको हर स्टेप को डिटेल में लेके जा रहा होता है। लेकिन जो अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बेसिकली वी टॉक नाउ कि मशीन लर्निंग के रोल ज़्यादा है या डाटा साइंस के, तो फ्रैंकली स्पीकिंग डाटा साइंस के रोल ज़्यादा है। तो डाटा साइंस के रोल और या एनएलपी इंजीनियर्स, या डाटा साइंस के अंदर ही एनएलपी इंजीनियर की एक टाइप है, तो वो बेसिकली डाटा साइंटिस्ट के रोल यूएसए के अंदर 35% बेसिकली इस वक्त जॉब रेशो है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो 35% जॉब्स हैं यानी डाटा साइंटिस्ट की हैं यूएसए में, आई गॉट डेली 10 कॉल्स, 11 कॉल्स, और सब रेनाउंड प्लेसेस से, और बिसाइड माय कॉन्ट्रैक्ट, इवन मैंने लिंक्डइन पे हटा दिया हुआ है, मैंने दूसरे वेंडर का नाम भी नहीं डाला कॉन्ट्रैक्टर का, तो लेकिन उसके बावजूद आई रिसीव सो मैनी कॉल्स। कहने का मकसद ये है कि ये 5 स्किल हैं, इन पे महारत हासिल की है, और उसके बाद मेरी मार्केट प्रोजेक्ट्स को ग्रूम किया है, अपने पॉलिश किया स्किल्स को, और देन आई मार्केट में मेरी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। सो आई थिंक सो यू गॉट माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 स्किल हैं, इनके अंदर छोटे छोटे क्या बेबी स्टेप्स हैं जिनसे हम स्टार्ट करें, आपके लिए क्या स्टेप होने चाहिए? तो जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई फाइल्स होती हैं, आपको पता है कुछ फाइल्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पर पाइथन आप सीख रहे हैं तो पहला आपने क्या करना है, यूसीआई की डाटा सेट वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो आपने उसके अंदर पहले एक्सेल फाइल को, सीएसवी फाइल होगी, एक्सएमएल फाइल होगी, जेसन फाइल होगी, जो भी फॉर्मेट है उसको लेके पाइथन में रीड कर लेना है। जब आप पाइथन में कोई भी फॉर्मेट को रीड करते हैं, ये पहला स्टेप है आपका, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, अब आपके लिए यही है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं डेटा कलेक्शन थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, वहां पे आपके डेटाबेस इन्वॉल्व होती हैं, क्लाउड डेटाबेसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं वो आपके नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो आपका पहला स्टेप नहीं है। आपके लिए पहला स्टेप ये है कि यूसीआई की वेबसाइट पे जाना है, आपने मशीन लर्निंग का कोर्स आई कोड से कर लें, और यूसीआई की वेबसाइट पे जाके आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें एक डेटा सेट लेना आपने, और रीड कर लेना उसको पाइथन के अंदर, ठीक है? और उसको रीड करने सीएसवी फाइल फॉर्मेट में होगा। आपने डाटा कलेक्शन तो कर ली यूसीआई की वेबसाइट पे जाके और रीड कर लिया, यू नी नीड टू एज ए स्टूडेंट यू नो नीड टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से लेने की जरूरत नहीं है उसको। डेटाबेस से अगर आप लेंगे तो उसके अंदर आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली डेटा, ये देखें ये डेटा एनालिसिस जो है ना यहाँ पे फिर आ जाता है। तो डेटा इंजीनियर्स जो होते हैं वो आपके लिए डेटा कलेक्ट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो फिर उसके बाद क्लीनिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, और फिर एक्सप्लोर करते हैं एसक्यूएल क्यूरीज की मदद से यहाँ पे। तो हम उसकी उन ये जो स्किल होते हैं, अब मजे की बात ये है कि डाटा साइंटिस्ट जो है इन उसको ये भी सीखना पड़ता है, डाटा एनालिस्ट के भी स्किल्स सीखने पड़ते हैं, इसलिए तो ये बॉक्स कह रहा है कि इसको पांचों काम करने हैं, 5 फेजेस में 5 टास्क इसको परफॉर्म करने हैं। डाटा साइंटिस्ट को कलेक्ट भी करना है डाटा, क्लीन भी करना है, एक्सप्लोर भी करना है, मॉडल भी करना है, डिप्लॉयमेंट भी करना है। अब इसीलिए तो इस फील्ड की ज्यादा डिमांड है, क्यों? क्योंकि आप देखें ना, एक बंदा बेसिकली कैन परफॉर्म टास्क, बेबी टास्क विद अलोंग विद द डेटा इंजीनियर्स, और फिर उसके बाद वो मेन फोकस जो मशीन इंजीनियर का वो भी काम कर रहा है, वो डाटा एनालिस्ट का भी काम कर रहा है। तो एक बंदा के पास 5 स्किल है जो इन तीन के पास है, तो ऑब्वियसली इन तीन की जॉबें कम हो जाएंगी ऑब्वियसली, लेकिन डाटा इंजीनियर्स की जॉब इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ये बंदा कहता है डाटा साइंटिस्ट कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा काम, मेरा फोकस होगा कि मैं आपकी आउटपुट लेके आऊँ, कोई मॉडल बना के आपको दे दूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस, और एक्सप्लोर करूँ डाटा की, ईडीए करूँ, तो मेरा फोकस इन 2 फेजेस पे ज्यादा होगा। तो फिर वो कहते हैं डाटा इंजीनियर हायर कर लो, बास कंपनीज ये करती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लीनिंग की, थोड़ा सा आपको समझ आ गया क्लीनिंग क्या होती है। क्लीनिंग मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि आप यूसीआई वेबसाइट पे जाएंगे, आपको मैं कुछ डेटा सेट्स की डोमेन्स बताऊंगा, तो आपने क्या करना है उसको डेटा को क्लीन कर लेना। क्लीनिंग में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, आपके पास अभी पेपर पेंसिल हो तो आप लिखें इस चीज को जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने सेकंड स्टेप आपने लिख लिया पेंसिल पे, आप ये आपके लिए लाइफ टाइम लर्निंग है। मैं भी डायरी के अंदर, मेरे पास एक डायरी पड़ी है, लेट मी शो यू, ये एक डायरी है, इसके अंदर मैं अपने टास्क डेली जो क्लाइंट देता है उसको लिखता हूँ, फिर उसकी प्लानिंग करता हूँ, लेट मी शो यू, एंड दैट्स व्हाई आई ऑन द वीडियो। मैं ये मेरे पास प्लानर है, इस प्लानर पे मैं अपने टास्क की प्रायोरिटाइजेशन करता हूँ, मेरे पास एक प्लानर भी होना चाहिए,
ठीक है, तो ये इस तरह से आपको भी वेल प्रिपेयर्ड होना। आप प्रोजेक्ट भी करेंगे बैचलर के, आप इसी तरह प्लानर लें, उसके अंदर टास्क लिखें कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपके टास्क हैं, उनको स्केड्यूल करें कि मैंने मंडे को कौन सा करना है, ट्यूसडे को कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप, और उनको प्रायोरिटी करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट हैं। ये आप प्लानर भी लें, ठीक है, आप अभी से आप इस चीज को करें और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हूँ। ठीक है, यूसीआई इज योर फर्स्ट स्टेप और कैगल, दो प्लेटफॉर्म है। तो जो जो अभी बातें कर रहा हूँ लर्निंग की, आपने इस डायरी में लें, अपनी पेंसिल कॉपी लें, ये आपका ये जो चीज आपकी है ना, ये आपके लिए एक लुक्रेटिव बेनिफिट है। ये आपके बाद में आपको मिसाल के तौर पे याद, देखना सर ने क्या कहा था तो आप खोल लेंगे और देख लेंगे तो उसको आपको याद आ जाएगा। क्यों, भूल जाता है बंदा 2-3 दिन के बाद भूल जाता है। ये स्किल अभी से इनहांस करना शुरू कर दें, ये आपके स्किल है अभी अभी जो बिल्ड हो रहे हैं। अब क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग होती है डुप्लीकेट डाटा है, मिसिंग डाटा है, वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर लें, एवरेज अप्लाई कर दें, स्केलिंग कर लें, कुछ भी नहीं, सिंपल चीजें हैं। एवरेज होगी, डुप्लीकेट है डाटा दो बार आया हुआ है उसको रिमूव कर दें, मिसिंग है तो उसको जीरो पुट कर दें या एवरेज उसके अंदर पुट कर दें, या अगर डाटा फॉर एग्जाम्पल 1000 सेल्स का लिखा हुआ है, सेल्स 10,000 वैल्यू आ रही है 1000, तो आप ये डाटा बहुत बड़ा है नंबर में, तो उसको स्केल कर लेते हैं। स्केल डाउन के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आप उसको स्केल कर लें। तो आपने जब उसको क्लीनिंग कर ली, डेटा को क्लीन करने के बाद उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब एक्सप्लोर करने के लिए क्या करते हैं, ये आपका नेक्स्ट फेज आ गया, कलेक्शन हो गई, या आपने छोटे छोटे फंक्शन अप्लाई किए यहाँ पे ना क्लीनिंग पे, मीन अप्लाई कर लिया, जीरो पुट कर दिया, ये छोटे ये वाले फंक्शन है जो आपने इनिशियली करना है। तो उसके बाद आपने ये इनको पाइथन के अंदर आप देखेंगे तो मैथ की एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे डाटा फ्रेम की, जो पांडास के थ्रू आपको उसके अंदर आपको एवरेज मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, और ये आपको बड़े इजीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाएं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक्सप्लोरेशन जो है उस पर स्टार्ट करना है। अब आपने जब भी प्रोजेक्ट करना है, पहला प्रोजेक्ट करेंगे यूसीआई में, कोर्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे साथ साथ, जो भी लर्निंग करें प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे, कोई आपने ये नहीं करना ए बी सी डी, नहीं, आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है और प्रोजेक्ट के अंदर वो मशीन लर्निंग जो पढ़ रहे हैं आई कोर्ट से वो आपने अप्लाई करनी है। अच्छा, अब आपने जब एक्सप्लोर करना है तो डाटा को, इसकी वजह ये है कि अगर आप ए बी सी पे जाएंगे ना, आप कभी भी स्किल एनहांस नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लग सकता। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट कर लेंगे ना, उसकी आउटपुट आ जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि यार जब मैंने इसको बिल्ड मॉडल कर लिया और डिप्लॉय कर लिया, वाह, अब तो भाई मैं, मेरे पास एक सीवी में लिखने के लिए एक चीज आ गई है, और आप उसको लिख लेंगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, लर्निंग प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपके स्किल में आ जाएगा। और ये टेक्निक्स आप जो अपने लिखे ये भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे कि मैंने ये अप्लाई किया, मैंने ये, अब मैं वही टेक्निक्स, बेबी टेक्निक्स ही आप लिखेंगे तो आप एज ए इंटर्न डेटा साइंटिस्ट बैचलर के बाद पाकिस्तान की मार्केट में फॉरन आपको जॉब मिल जाएगी, आप जब ये वाले स्टेप बताएंगे। अब मैंने बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग दी है, मैंने अभी रिसेंटली टेक एचक्यूएस हो गया, मैं आरबी सॉफ्ट से भी मुंसलिक रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, और मैंने गल्फ के अंदर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं यूनिवर्सिटीज को भी। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन, मुझे क्योंकि इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि हाउ अकेडेमिक से ट्रांजिशन इंडस्ट्री में करने के लिए कौन से ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। मैं आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, आपके ट्रांसफरेबल स्किल है यूसीआई और कैगल, आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, यू नॉट नीड टू वर्क ए बी सी डी, आपको मशीन लर्निंग में जो कोडिंग सिखाई जा रही है उसको आपने अप्लाई, या डाटा साइंस का कोर्स आई कोर्ट से आप पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई आपने प्रोजेक्ट पे करना है। मैं आपको उस पे लेके आ रहा हूँ वो जो आपके इंडस्ट्रियल स्किल डेवलप करेगी चीज, तो आपने अभी से ही उस पे अप्लाई करना है। दैट इज वाई डेटा साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट 35% जॉब रेशियो है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2030 पे क्या होगा, 2030 पे ये 70% पे एआई की जॉब्स हो जाएंगी, और अगर ये 30 या 50% क्रॉस कर जाएगा, तो अगर ये 50 से 70% क्रॉस करता है तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी जॉब बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी आने वाली जो अभी नेक्स्ट जॉब्स हैं वो डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की हैं। ठीक है, आपने इन दो स्किल्स पे ही काम करना है और इन्हीं 5 स्टेप्स के अंदर काम करना है। तो अगला स्टेप आपका ये है कि आपने ये रट लें या जो मर्जी करें, कलेक्ट, क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, बिल्ड, डिप्लॉय, बस आपने ये काम करते जाना है हर प्रोजेक्ट के अंदर,
और ये 5 स्टेप्स जो हैं वो इंडस्ट्री में भी हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अभी कौन सा फेज है जी, अभी हम ईडीए पे काम कर रहे हैं, हम क्या ईडीए पे के ग्राफ बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को। अच्छा, जब ईडीए की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डाटा को एक्सप्लोर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है सेल्स और एक गूगल सर्च। मैं निसान में काम कर पैरेलल पार्शल कंसल्टेंसी देता हूँ और उसके अंदर सेल्स और गूगल सर्च का डाटा है, उसको कोरिलेट किया उन्होंने, तो वो कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू मैं उसको शो कर दिया, फिर उसको कोरिलेशन भी चेक कर ली भाई स्ट्रॉन्ग कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो कोरिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा स्टैट पढ़ेंगे, लिटिल स्टैट ये लिखा हुआ मैंने, लिटिल स्टैट और मैथ। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है, मीन है, जेड स्कोर है, मीन मैक्स है, ये 5 टेक्निक्स हैं, ये बच्चों वाली टेक्निक्स हैं, आप पढ़ लें। ये क्या करती हैं, ये स्टैंडर्ड जो ये मीन है, मीन तो आपको पता ही एवरेज लेता है, वेरिएंस क्या करता है कि हाउ मच यू आर डेविएट फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है, जो आपकी टोटल डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। जी स्कोर क्या करता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से नॉइज निकाल देता है, जी स्कोर नॉइज डिटेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने चेक नॉइज, वो जी से निकाल लेंगे। कोरिलेशन जो है वो पियर्सन, एक टेक्निक है ये मैंने लिखी हुई, तो आप पियर्सन या स्पियर्समैन दोनों अप्लाई होती हैं, ठीक है। पीस ये नोट कर लें, पियर्सन एंड स्पियर्समैन, ये दोनों टेक्निक्स अप्लाई होती हैं इंडस्ट्री में। तो ये दोनों टेक्निक्स मैं वो वाली चीजें बता रहा हूँ जो बड़ी बेसिक और बड़ी हर कोई, मैं भी अप्लाई करता हूँ, तो थोड़ा सा एडवांस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बेबी स्टेप से चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा 2 वेरिएबल्स का क्या कोरिलेशन है। आप जब पियर्सन लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 0.8, 0.8 का मतलब हाई कोरिलेशन है, दोनों वेरिएबल बड़े कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये उसको ग्राफ से आपने शो कर लिया, ठीक है, ये एक्सप्लोर होता है ईडीए। अब ग्राफ जो होती हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस टीम होती है, जो मार्केटिंग या फाइनेंस टीम है, जैसे निसान के अंदर है, या तो वो बेसिकली उनको हम शो कर देते हैं, भाई ये देखो ये आप ग्राफ हैं, ये कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड वेरिएबल नहीं है सेल्स के लिए, ये कोरिलेटेड है, ये इफेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, ये नहीं इफेक्ट कर रहे। पहला काम तो यही होता है। और जो जहां पे उनकी सेल्स नीचे जा रही है, कौन से वेरिएबल हैं जो इसकी सेल्स को डिग्रेड कर रहे हैं, तो पहला काम तो हमारा यही होता है। हुंडई में भी यही किया, तो पहला काम एक्सप्लोरेशन ही होता है। तो ग्राफ से आप शो कर देते हैं, बड़े सिंपल सिंपल ग्राफ होते हैं, और आप जी जी प्लॉट यूज कर लें, आप मैट प्लॉट यूज कर लें। जी जी प्लॉट यूज होता है आर के अंदर, मैट प्लॉट यूज होता है पाइथन के अंदर। तो मैट प्लॉट आप लिख लें, मैट प्लॉट, मैंने आपको यहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी बताई, पांडा की लाइब्रेरी बताई, यहाँ मैंने आपको मैट प्लॉट बताया, और एक और लाइब्रेरी है सीबॉन, सीबॉन की लाइब्रेरी के, और ये आपको ग्राफ के लिए यूज होती है, सिर्फ सिंपल प्लॉट्स के लिए। आपने प्लॉटिंग करनी होती है, अब प्लॉट लाइन चार्ट अब प्लॉट कर रहे हैं, बार चार्ट प्लॉट करते हैं ज्यादातर, और लाइन चार्ट्स होते हैं, ग्रिड होते हैं, बेसिकली बस दो तीन टिपिकल चार्ट्स हैं जो के यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। टाइम सीरीज प्लॉट्स होते हैं, टाइम सीरीज प्लॉट्स होते हैं, और वो भी सिंपल प्लॉटिंग मैट प्लॉट के थ्रू भी अब डिस्प्ले हो सकते हैं। तो उनकी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे अगर टाइम सीरीज किसी मॉडल के थ्रू करते हैं तो उसके उससे उसके अंदर भी प्लॉटिंग होती है। लेकिन आप बेसिक लाइब्रेरीज पे अब जाएंगे, बेसिक लाइब्रेरी मैट प्लॉट सीबॉन, ये दो याद कर लें आप, ये आपने लाइब्रेरीज के नाम भी याद करने हैं। तो इस इधर तो पाइथन के स्किल भी आपको चाहिए, और इधर आपको डेटा साइंस की एक्सप्लोरेशन स्किल भी चाहिए। तो एक्सप्लोरेशन स्किल यही है ना कि आपने ये फार्मूले, ये वाले जो फार्मूले हैं इनको अप्लाई करना है डेटा के ऊपर। डेटा क्या है, ये सेल्स और गूगल सर्च है, जैसे ये नजर आ रहा है आपको सेल्स एंड गूगल सर्च, तो आपका डेटा एक्सप्लोर हो गया, वो उसको प्लॉट के थ्रू शो कर दिया आपने। आपने कहा ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, उसकी वैल्यू चेक कर ली, वैल्यू कैसे चेक किया आपने, कोरिलेशन चेक कर लिया, ग्राफ के अंदर डिस्प्ले कर लिया, बिजनेस टीम को बता दिया भाई ये वेरिएबल स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, ये नहीं है, ये फैक्टर डिग्रेड कर रहा है सेल को, ये नहीं कर रहा, इस तरह से आपने बहुत सारे वेरिएबल्स की कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू चेक की। इसके बाद आपने मॉडल बिल्डिंग पे जाना, ये जो फेज है ना ये वाला, ये मॉडल बिल्डिंग है। अब मॉडल बिल्डिंग जो होती है, मॉडल बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई हम सेल्स को फोरकास्ट करते हैं, सेल्स को फोरकास्ट करते हैं हम। मॉडल बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनको मॉडल को दे देते हैं इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, यहाँ लिखे हुए हैं सेल्स, गूगल सर्च, मॉडल एज, इन्वेंट्री, सप्लायर, हुंडई में और निशान दोनों में है। तो वो वहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे आई कोड पे, वो 4 एल्गोरिथम हैं जो आपको आने चाहिए बेसिक, जो जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ये एक है KNN,
एक है लॉजिस्टिक, एक है लीनियर रिग्रेशन, एक है एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये चार एल्गोरिथम अगर सपोज 50% से 70% जॉब्स या 70% 60% जॉब 2030 में होती हैं डाटा साइंस की, तो ये चार एल्गोरिथम इमेजिन करें कि एक मार्केटिंग के बंदे को भी आते होंगे, क्योंकि वो भी तो इसी फील्ड में आएगा, ट्रांजिशन करेगा। तो ये आपके लिए बेसिक है, कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। आपको ये इसी अभी से स्टार्ट करना है और आज से ही स्टार्ट करना है। तो ये बड़े आसान आसान से एल्गोरिथम है, ये बहुत इजी है, नेट पे यूट्यूब पे भरा पड़ा है बेसिक इनकी इंस्ट्रक्शंस, और इवन आई कोड के थ्रू आपको लर्निंग मिल जाएगी। और आई कोड पे आप चले जाएं, रजिस्टर करें, थोड़ी सी ये के एन एन से स्टार्ट करें, ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। लॉजिस्टिक से स्टार्ट करें, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। लीनियर रिग्रेशन जो है ये प्रेडिक्शन एल्गोरिथम है, ये प्रेडिक्ट करता है, हिस्टोरिकल डाटा लेता है। एसवीएम जो है ये सपोर्ट वेक्टर, ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मैंने आपको बताया ये क्लस्टरिंग करता है, ये क्लासिफिकेशन करता है, ये प्रेडिक्ट करता है, ये क्लासिफिकेशन करता है। क्लस्टरिंग क्या होती है? ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। तो आप ग्रुप बना लेते हैं कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन है कि ज्यादा खर्चने वाले लोग और कम खर्चने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं, ज्यादा खर्चने वाला एक ग्रुप है, कम खर्चने वाला एक ग्रुप है, तो वो दो ग्रुप्स बन जाते हैं। तो इस तरह से दो ग्रुप बना लेते हैं। या हम कहते हैं सिटी वाइज ग्रुप बना दें, हॉस्टन के ये ज्यादा खर्चने वाले लोग, हॉस्टन के कम खर्चने वाले लोग, ऐसे। तो ये ग्रुप बन गए, के एन एन का ये काम है। तो के एन एन बहुत ही जबरदस्त एल्गोरिथम है, इसके एडवांस एल्गोरिथम इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं क्लस्टरिंग के। अनोमली डिटेक्शन में सिस्को में काम कर रहा हूँ, अनोमली डिटेक्शन का एक केस स्टडी है। तो अनोमली डिटेक्शन इज वेरी प्रोमिनेंट एंड लुक्रेटिव बेनिफिट्स है इसका, बहुत जबरदस्त किस्म का लुक्रेटिव बेनिफिट इंडस्ट्री को रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिस्को कहते हैं अगर हमें अनोमली डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही डेली, अगर मैं 23 आवर्स का देखता हूँ, तो वो कहता है 60 मिलियन तो हमारे पास डाटा आ रहा है एप्लीकेशंस का, तो अब मैं नॉर्मली कैसे डिटेक्ट करूँ? अब वो जितने डेवऑप्स या डाटा इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं हम नॉर्मली कैसे डिटेक्ट करें? अब वो कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया कि वो जहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, जैसे आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन डिनाइड भी आता है, तो हमें पता नहीं लगता कि यार ये नॉर्मली किधर है। इतना 60 मिलियन विद इन 22 to 3 आवर, 10 मिलियन, हम क्या करें? तो वो उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ उनको मॉडल्स बनाने हैं, कुछ ना कुछ मॉडल बिल्डिंग होती है। तो वहाँ पे वो डाटा साइंटिस्ट हायर करते हैं, वो डाटा को रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेते हैं कुछ। वो जो रिसर्च पेपर में एडवांस एल्गोरिथम लिखे हुए, वो भी इन्हीं की बेस पे लिखे हुए, ये जो चार लिखे हुए ना आपने, वो KNN की एक एडवांस फॉर्म है, उस पे एक एल्गोरिथम बना हुआ है, वो लॉग पे अप्लाई होता है। तो वो भाई बेसिकली कहने का मकसद है ये बेसिक्स हैं, ये चार आप ना अभी पेंसिल पे लिख लें पेपर पे, ये आपका स्टार्ट है। ये जो चार पांच टेक्निक्स लिखी, ये आपका स्टार्ट है। ये जो क्लीनिंग की मैंने टेक्निक्स लिखी है, डुप्लीकेट, मिसिंग, ट्रांसफॉर्म, यूनिट्स, एवरेज, स्केलिंग, ये आपका स्टार्ट है। ये आप लिख लें अभी से पेपर में, ये आपकी स्किल है। और रीड क्या करना है? ये वाली फाइलें करनी है, ठीक है? क्लीनिंग ये करना है, एक्सप्लोर ये करना है, बिल्ड ये करने, मॉडल बिल्ड करने। बिल्ड मॉडल का मतलब होता है मॉडल डाटा के ऊपर अप्लाई हुआ, वेरिएबल्स पे। वेरिएबल कौन से? सेल्स हो गए, गूगल सर्च हो गया, मॉडल एज हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये इस इन फेजेस से गुजर के आ रहे हैं। तो ये स्केल भी हो गए। स्केल का मतलब है कि वो 1000 है तो वो 0.1 आ गया, 0.5 आ गया, फॉर एग्जाम्पल सेल्स की वैल्यू। गूगल सर्च का फैक्टर अगर 10,000 सर्चिंग है तो वो 0.9 हो गया। तो वो स्केलिंग हमने उसको पॉइंट में कर ली, क्योंकि हम स्केलिंग बहुत जरूरी है। अगर स्केलिंग इस वाले फेज में मैं क्लीनिंग के वक्त स्केलिंग नहीं करता तो क्या होगा? डाटा डाटा जो होगा वो इतना लार्ज क्वांटिटी में होगा कि वो रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। मॉडल मॉडल कहता है कि मुझे ना जरा यूनिट्स इक्वल यूनिट्स में दो, ये सब के यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। मॉडल एज अगर गाड़ी की मॉडल एज 12 साल है, 10 साल है, 4 साल है, तो वो एक यूनिट है। सेल्स का यूनिट आ रहा है 1000, तो दो यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आ गए। अब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई, मुझे स्केलिंग करके दो डेटा। तो वो स्केलिंग आप यहाँ पे कर लेते हैं, समझ गए? ये स्केलिंग इसलिए जरूरी है। इसके बाद आया था डिप्लॉयमेंट। अब देखिए मजे की बात ये है कि डिप्लॉयमेंट के लिए आप कुछ कोर्सेज और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कोर्स करने का। आप सिंपल एक लिनक्स इंस्टॉल करें, आप अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करें, सेमेस्टर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, UCI से कर रहे हैं, आप एक लिनक्स इंस्टॉल करें, वहां पे क्रॉन टैब की एक सर्विस है, उसको रन करें। हर 5 मिनट बाद स्क्रिप्ट रन होना चाहिए।
हर 5 मिनट बाद स्क्रिप्ट रन होगा, जो जो आपने यहाँ पे मॉडल बनाया उस स्क्रिप्ट को रन करें, वो डाटा ले और CSV या डेटाबेस में वो हर 5 मिनट बाद अपडेट कर दे, जो आपकी आउटपुट है, मॉडल की आउटपुट है, बस प्रिडिक्ट करें सेल्स, डेटाबेस में डाल दें। आपने आपने घर बैठ के डिप्लॉयमेंट कर ली मॉडल की। ये 5 स्किल अगर आप ले लें तो मैं कहता हूँ कि क्रॉन टैब की सर्विस आप अभी ढूंढें, एक 2 लाइनें हैं सिर्फ क्रॉन टैब की। शेल का एक स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर आप SH फाइल होती है, उसकी कोई बैट फाइल होती है, उसके अंदर जाके 2 लाइनें लिखते हैं, 5 मिनट बाद स्क्रिप्ट रन होता रहता है, हर 5 मिनट बाद स्केड्यूल हो जाता है, वो रन होता रहता है लिनक्स के ऊपर, बस कुछ भी नहीं। तो वो वेरी सिंपल है, 2 लाइनें हैं, क्रॉन टैब याद कर लें, क्रॉन टैब, घर बैठ के डिप्लॉयमेंट कर ली, बिल्ड कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, क्लीन हो गया, कलेक्ट हो गया, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं। और ये, लेकिन ये स्किल लेने जरूरी हैं, जब आपने स्टार्ट लेना तो ये स्किल लेना जरूरी है। अब बात करते हैं, इंडस्ट्री कहती है या आप किसी प्लेटफॉर्म से करने जाएंगे, वो कहते हैं 1 महीने में ये कर लें, 2 महीने में स्टैट कर लें, 3 महीने में एडवांस पाइथन कर लें, फिर विजुअलाइजेशन कर लें, फिर मशीन लर्निंग 5वें महीने में कर लें। मैं इस चीज को नहीं मानता। मैंने इसलिए ये ग्राफ लिखा है, ये टिपिकली नेट पे पड़ा हुआ है, मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं मानता हूँ इस चीज को, जिसने ये कर लिया वो इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकता है, और जिसने इन डेटा सेट्स पे, जो भी बात कर रहा हूँ उस पे काम कर लिया, अलॉन्ग विद डेफिनेटली कोर्स को एक दो करने पड़ते हैं, वो आप हाईकोर्ट से कर लें, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का, अलॉन्ग विद दैट ये प्रोजेक्ट्स की अप्रोच आपने इसमें देखनी है, और ये फेजेस में काम करना है, आपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर लर्निंग जो कर रहे हैं लैंग्वेज की या मॉडल की या पाइथन की, वो आपने इस फेजेस में अप्लाई करनी है। तो आपने काम ऐसे ही करना है, लर्निंग ऐसे ही करनी है। आप अगर नेट पे गए और पाइथन की ABC एग्जाम्पलें की, तो आप कभी भी डेटा साइंस को नहीं समझ सकते, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डेटा सेट जब तक आप नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, देर इज नो लर्निंग। आपने क्या करना है कि की टू सक्सेस, मैं इसको नहीं मान रहा, मैं इसको काटा लगा देता हूँ। मेरा, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ओनली ऑन UCA डेटा सेट और कैगल डेटा सेट। कैगल का डेटा सेट लें, UCA के डेटा सेट लें, ट्राई। उसके बाद जब आपने एक दो प्रोजेक्ट करने हैं मिनिमम, आपने हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट डेटा साइंस का करना है, मिनिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपके CV के अंदर होने चाहिए, एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट रख लेता हूँ आपका सेमेस्टर का। लेकिन जो बच्चा 3 4 प्रोजेक्ट कर लेता है, उसके लिए इंडस्ट्री में इंटर्नशिप ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, वो उसको पहले ही पता होता है पाइथन की मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है, सीबोन क्या है, वो बेबी वाले एल्गोरिथम कौन से हैं, KNN, लॉजिस्टिक क्या है, LR, लीनियर रिग्रेशन LR होता है, SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ये उसे पहले ही पता है, उसको पहले ही पता है, वो उनके नाम भी लिख देता है CV में, वो लिख देता है मैंने ये लाइब्रेरीज पे काम किया, ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये डेटा था, वो जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाता है वो क्लियर कर लेता है। तो बेसिकली तो हमने स्किल लेने हैं ना, हमने तो वो स्किल लेने हैं जो इंडस्ट्री कह रही है कि अब लेके आओ भाई, हम उसी स्किल की बात करेंगे। तो फिर आपने ट्राई करनी है इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स की, और इंटर्नशिप्स पे पहला बेबी स्टेप करें, और या फिर आपको डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है, अगर आप, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आप थोड़ा सा ग्रिप है आपको इन फेजेस पे, ये सिर्फ फेजेस पे और इन टेक्निक्स पे, आप बड़े आराम से जॉब ले लेते हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री से आपने स्टार्ट करना है द फर्स्ट स्टेप, तो उसके अंदर यही है कि अभी इनिशियली फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज सॉफ्टवेयर ऑल्सो इज पेइंग गुड, एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट जो बेबी स्टेप पे भी आता है इंटर्नशिप वाले को 60 70 और 130 आई थिंक स्टार्ट है, तो 1 लाख से ऊपर तो स्टार्ट है इसका, तो इतनी इतना अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस पे कर रहा है। टॉप 10 के अंदर ट्राई करेंगे आप, टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर, टॉप 10 इन कराची, टॉप 10 इन इस्लामाबाद, एवरीवेयर, और क्योंकि उन्हीं के पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, इंटर्न नहीं मिलती तो इंटर्नशिप ट्राई करें। मुझे पता है कंपटीशन होगा, लेकिन आपको या मीड फिर दरमियाने सॉफ्टवेयर हाउस से फिर अगला टारगेट करें, टॉप 10 में नहीं आ रहा तो मीडियम वाले पे जाऊं, दरमियाने वाले में जाएं और उसमें टारगेट करें, और देन यू गेट योर स्किल्स 3 to 4 ईयर, और फिर ट्रांजिशन टू USA है या UK है या यूरोप है, तो वो आपके 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू गो टू द, मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि की टू सक्सेस ये बड़ा जरूरी है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपने आर जो है वो विजुलाइजेशन के लिए यूज होती है, यहाँ पे पाइथन जो है मॉडलिंग के लिए यूज होती है, ये ध्यान में रख लें, स्टैट और विजुलाइजेशन के लिए आर यूज होती है, पाइथन मॉडलिंग के लिए यूज होती है, वर्क ऑन टाइम सीरीज प्रॉब्लम, मोस्टली आपने काम किन चीजों पे करना है, टाइम सीरीज प्रॉब्लम। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये जो मैं कुछ केस स्टडीज बता रहा हूँ, टाइम सीरीज प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं,
अब जब यूएसए में जो प्रोजेक्ट्स होंगे वही आपको मिलेंगे वहां पे पाकिस्तान में, क्योंकि वहीं से काम आपको ऑफशोर में मिलता है ऑन साइट से। तो यही वाली प्रॉब्लम ज्यादा है, टाइम सीरीज प्रॉब्लम्स, टाइम सीरीज प्रॉब्लम इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। हुंडई सेल्स फोरकास्ट कर दो, डिलीवरी फोरकास्ट कर दो, डिमांड फोरकास्ट कर दो, फूड इंडस्ट्री डिमांड फोरकास्ट कर दो, हर जगह पे टाइम सीरीज प्रॉब्लम है। ठीक है, फ्यूचर में कितना डिमांड है, कब गाड़ी डिलीवर होगी, कब से कितनी सेल्स, फोरकास्टिंग फॉर 3 मंथ बता दो कितनी सेल्स हो सकती है, बस यही काम है। तो टाइम सीरीज प्रॉब्लम के कुछ मॉडल्स हैं, जो बेसिक मॉडल है वो है, जो इस वक्त इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, दो तीन मॉडल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज, अरीमा हो गया, सेरीमा हो गया, प्रॉफिट हो गया, और एक्जिबूस, ये चार तीन चार एल्गोरिथम है। लेकिन उनको करने से पहले आपको ये करने जरूरी है, ये लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई हो रहा है टाइम सीरीज में, लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई होता है प्रडिक्शन के लिए। लेकिन टाइम सीरीज के लिए मैंने जो एल्गोरिथम बताए हैं वो ये वाले हैं, वो इनकी एडवांस फॉर्म है। कौन कौन से हैं, अरीमा, प्रॉफिट, एक्जिबूस, ये तीन, ये आप लिख लें। अब मैं प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ, वर्क ऑन क्लासिफिकेशंस, कस्टमर चर्न पे, क्रेडिट क्लासिफिकेशन, एनोमली डिटेक्शन, ये जो तीन प्रॉब्लम बताई है ना, इनको पकड़ लें। अगर आपने तो काम करना है यूएसए बेस्ड चीज़ों पे, या यूएसए के फर्म जितनी होंगी पाकिस्तान में, इन्हीं इन्हीं प्रॉब्लम्स पे काम कर रही, टाइम सीरीज प्रॉब्लम पे काम कर रही होंगी, कस्टमर चर्निंग पे कर रही होंगी, क्रेडिट क्लासिफिकेशन यानी क्रेडिट स्कोर जो बैंकों में होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इज अ गुड कस्टमर और बैड कस्टमर, तो वो उसको क्लासिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शंस, और वो फीचर्स होते हैं, यानी मैं एक बैंक से यहाँ पे यूएसए के अंदर वो यही काम हो रहा है, और बाकी जगहों पे भी ऐसे ही हो रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है, गल्फ में भी ऐसे ही हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। तो क्रेडिट क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कस्टमर चर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर बिजनेस में ये देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहा है कि हमारी सब्सक्रिप्शन डाउन हो रही है तो कस्टमर चर्निंग करो, फॉक्स स्पोर्ट्स वाले यही देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉक्स स्पोर्ट्स की भी जॉब्स हैं, नेटफ्लिक्स की भी जॉब्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल की जॉब जो है कस्टमर चर्निंग पे है। इवन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कहती है हमारा कस्टमर कितना कम हो रहा है, वो जो जो चर्न कर रहा है उसके रीजंस क्या हैं, हम उसको फाइंड आउट करो। टेलीकॉम इंडस्ट्री कह रही है कि हमारा कस्टमर कम हो रहा है तो उसकी रीजंस क्या हैं, उसको फाइंड आउट करो, कौन से फैक्टर हैं, किन वजह से हमारे सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मोबाइल कंपनी है टी मोबाइल, एक होराइजन, तो वो उसमें दोनों के अंदर में यही कंपटीशन है कि टी मोबाइल से होराइजन पे आया, तो वो जो टी मोबाइल ने एनालिसिस शुरू कर दिया, भाई कस्टमर जा क्यों रहा है, क्यों, वजह क्या है, तो क्या फैक्टर है, हमारी डाउन बैंडविथ कम है, हमारी हमारी यूजेज कम है, हमारा क्या कौन से फैक्टर है, हमारे हमारे सिग्नल्स सही नहीं आ रहे, हमारी सर्विसेज डाउन होती है, क्या वजह है, कस्टमर क्यों जाता है, वो जो फीचर्स है ना इन चीज़ों से रिलेटेड, उनको फाइंड करके कस्टमर चर्निंग की ऊपर जाते हैं, कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वो कस्टमर जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये। ठीक है, एनोमली डिटेक्शन हो गई, एनोमली डिटेक्शन यही है कि आपने एनोमलीज को डिटेक्ट करना लॉक्स की मदद से, एचटीटीपी वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं इनकी जो ट्रैफिक जाती है मोस्टली सिस्को में मेरा ये काम है, तो वो एनोमली डिटेक्ट करना है, तो उसके अंदर बेसिकली एनएलपी एल्गोरिथम भी अप्लाई होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एनएलपी का पार्ट भी होता है, और फिर इसके अंदर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी होते हैं, इसके अंदर डीप लर्निंग भी होती है, तो दैट्स वी डोंट टॉक अबाउट दो स्किल्स राइट नाउ, वी टॉक अबाउट ओनली दिस फोर स्किल्स, यही सारे चार स्किल हैं, इन चार स्किल्स को आप इस पे इन वाली केस स्टडीज पे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो आपको बताइए क्रेडिट स्कोरिंग चर्निंग एंड एनोमली, ये चारों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनोमली डिटेक्शन केएनएन के थ्रू भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री की, अगर आप देखें तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन है, फ्रॉड डिटेक्शन जो है वो आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी कि फ्रॉड डिटेक्ट होता है, किसी स्टील हो जाता है, या वो उसके अकाउंट हैक हो जाता है, या बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो उससे उससे रिलेटेड फ्रॉड पैटर्न्स को लेके पास डाटा में से और फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर देखा यही जाता है कि आउटपुट जो होती है ना मॉडल की वो यही होती है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, जो क्लासिफिकेशन की आउटपुट है वो यही है कि फॉल्स नेगेटिव आर बैड, यानी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव मतलब कस्टमर अच्छा है कस्टमर बुरा है, या वो फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड नहीं हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब है कि वो पॉजिटिव का मतलब है वो हुआ है फ्रॉड, तो वो फॉल्स का मतलब वो नहीं हुआ, वो गलत आउटपुट आ गई, वो जो हुआ है उसको उसने हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लिया, वो जो हुआ था वो असल में आउटपुट मॉडल दे रहा है नहीं हुआ, और फॉल्स नेगेटिव यह है कि जो जो फ्रॉड
नहीं हुआ तो उसको हमने कह दिया वो हुआ है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो गया, तो वो यानी उल्टा हो जाता है। तो वो जब मॉडल उल्टी आउटपुट देता है ना, जो चीज हुई है और वो नहीं हुई, तो वो जो उसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। समझ गए? ये मैंने बड़े सिंपल फॉर्म में बताया, ये आउटपुट होती है मॉडल की। इसको इन वेरिएबल्स के अंदर आउटपुट देखते हैं, कितने परसेंट फॉल्स पॉजिटिव है, कितने परसेंट फॉल्स नेगेटिव है। अगर ये बहुत ज्यादा परसेंटेज हो तो हमारा मॉडल अच्छा नहीं है, हमने मॉडल को रिवाइज करना है। तो ये मेरा कहने का, एक क्विकली मेरे बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे आउटपुट भी आपको पता लगे कैसे देखते हैं। फिर एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है आजकल बड़ी हर कोई बात कर रहा है, आउट ऑफ 10 5 जॉब्स ऑन LLM चैटबॉट्स बनाना। हर किसी को चैटबॉट चाहिए, क्वेश्चन आंसर मशीन चाहिए। चैटबॉट ये है कि आप भी काम कर सकते हैं, एक मॉडल है 3.5, ये एक लाइब्रेरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हगिंग फेस, आपने हगिंग फेस को अभी नोट कर लें, HUGGING FACE, हगिंग फेस। इस लाइब्रेरी के अंदर एक मॉडल है GPT, उस मॉडल को आपने फ्री अवेलेबल है, आपने उसको यूज करना है। ये 3.5 तक फ्री है, 4 पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो आपने उसको सिंपल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। एक और मॉडल है बर्ट, उसके अंदर एक और मॉडल है बर्ट, उसको भी आप नोट कर लें। ये जो NLP मॉडल्स हैं, ये अप्लाई करने हैं अपने सिंपल प्रॉब्लम्स पे। आपने क्या करना है कि यू नीड टू डिटेक्ट कस्टमर, यानी कस्टमर का नाम डिटेक्ट करना है। एक सिंपल कोई भी प्रॉब्लम लेंगे NLP की, उसके बाद कस्टमर का नाम डिटेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट बहुत बड़ा है 5 लाइनों में, उसको 2 लाइनों में ले आएंगे, समराइज हो गया। और क्वेश्चन आंसर टेम्पलेट्स बनानी है, यानी एक क्वेश्चन देना है और उसका आंसर आ जाता है बस। या बेबी स्टेप से ये स्टार्ट करेंगे, और जो मॉडल आपने पिछले स्टेप्स में बनाए हैं उसको इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, बेसिकली GPT को। बेसिकली मकसद यही होता है, और पीछे डेटा बेसिस से डेटा आ रहा होता है, तो क्वेश्चन जो करते हैं वो मॉडल की हेल्प से पहले उसका आंसर फाइंड करने के बाद कस्टमर को बता देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है LLM का। तो ये LLM पे जाने से पहले आपने इन्हीं स्टेप्स पे रहना है, टाइम सीरीज, क्लासिफिकेशन पे, और पिछले स्टेप के अंदर ये 5 स्किल, और ये आपका एडवांस स्किल है, ये आप एडिशनल स्किल्स में रखें अभी अभी, इस पे आप ना जाए आगे। जी मैंने आपको एप्लीकेशन की बात की है, तो डोंट, मेरी क्या आपको टिप्स दें कि डोंट गो टू लर्न लैंग्वेज डायरेक्टली, ठीक है। लैंग्वेज भी सीखनी है तो डेटा सेट डाउनलोड करना है गूगल या UCI से। सॉल्व प्रॉब्लम चैलेंज योर सेल्फ एंड लर्न लैंग्वेज ड्यूरिंग टास्क। जब आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड करेंगे, अपने आप को चैलेंज करें और उसको टास्क को लर्न करें, ठीक है जी। देन आई थिंक सो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर। काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने शायद आवाज जा रही है नहीं, ठीक है। जी इसके बाद देखें, अब आपने ये तो मैंने आपको बताया कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपकी। जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपने लैंग्वेज सीख रहे हैं या मशीन लर्निंग, आपने पहले दो वेबसाइट्स नोट कर लें, UCA और कैगल। आपने इन्हीं के डाटा सेट लेने हैं, ठीक है, यहीं से डाटा सेट लेना है। और करने के बाद जब आपने एक डाटा सेट पे काम कर लिया, तो एक मॉक टेस्ट दें कोडिंग का, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको आई कोड प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कोई और भी इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर आप अपने जो स्किल पिछले प्रोजेक्ट में सीखे हैं उनको हल्का सा ना ट्राई करें, एक आधे क्वेश्चन गलत होगा दोबारा ट्राई करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। आपने एक दो सवाल जब आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए, आप यही आपके स्किल डेवलप हो रहे हैं पाइथन के, ये ध्यान में रखें। स्किल पाइथन के डेवलप ऐसे नहीं होते, पाइथन के स्किल डेवलप होते हैं इस प्रोसेस से जो मैंने आपको बताया है। ये इस प्रोसेस से आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आएगी, जो मैंने आपको गाइड किया। डेटा सेट लेना है, कोर्सेज साथ साथ करने हैं, एक प्रोजेक्ट करना है सॉल्व, ये 5 स्किल हैं, इन 5 स्किल पे काम करना है, कलेक्ट, क्लीन, एक्सप्लोर, बिल्ड, डिप्लाई पे। उनके अंदर ये टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और फिर आपने उनको कोडिंग टेस्ट के थ्रू हल्के फुल्के फ्रेम की कुछ एग्जाम्पल होंगी, कुछ उसकी डिक्शनरी की होंगी, उनके पे थोड़ा सा वर्कआउट करना और देखना कि मैंने जो सीखा है वो कितना मुझे परसेंट आ गया, 40% आया। एक बार ट्राई करें सवाल, दूसरी बार करें, तीसरी बार वो आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 3 सवाल करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर ये आपके स्किल डेवलप हो रहे हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज स्किल आपके मॉक टेस्ट के बाद डेवलप होते हैं, और जो इंडस्ट्री में होता है कि वो आपको लैंग्वेज टेस्ट लेते हैं जब आप जॉब लेने जाते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान में भी आई थिंक सो, नाउ अडेज इट इज बिकमिंग हैबिट।
लेकिन वो ये वाले स्किल भी जरूरी हैं, जो ये वाले हैं वो ये भी पूछते हैं टेस्ट के अंदर, और ये भी पूछते हैं। तो आपने ये सारे दोनों आपने रेडी रहना है। फिर जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं देखता हूँ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को भी ये डिफरेंस नहीं पता होता, आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग होती है लेबल डाटा। लेबल डाटा का मतलब होता है कस्टमर इज ऑलरेडी क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक का डाटा सेट है जो यूसीआई से लेता हूँ, पहला काम आप ये करेंगे, मेरा भी एक पेपर भी है जो कि बैंक से रिलेटेड है, जो जिसपे 25 से 30 साइटेशन हैं। तो वो बेसिकली यूसीआई से ही मैंने डेटा सेट को किया था, लेकिन वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी, लेकिन उसको मैंने पेपर की फॉर्म में, इंडस्ट्री का डाटा मैं नहीं कर सकता तो मैंने उसको पेपर की फॉर्म में ले गया। तो वो जो कस्टमर की जो जो ऑलरेडी क्लासिफाइड है कि कस्टमर सेफ है, बैड है या गुड है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जहाँ पे डाटा ऑलरेडी पता होता है ये कस्टमर बैड है गुड है, लेबल्ड होता है डाटा, यानी डाटा सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 और 0 पड़ा हुआ है, वो चीज सुपरवाइज लर्निंग होती है। लेकिन अगर वो डाटा 1 और 0 नहीं पड़ा हुआ, कस्टमर बैड है या गुड है लोन के डाटा में, तो वो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ये जेहन में रखें, आपका जो आउटपुट वेरिएबल है यानी टारगेट, वो अगर नहीं है डाटा सेट में तो वो अनलेबल डाटा है। अनलेबल का मतलब है अनसुपरवाइज। ये डिफरेंस होता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। अब मैं इंडस्ट्री में जब भी हम जाते हैं सबसे पहले चीज ये डिटेक्ट करते हैं कि ये सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई होगी कि अनसुपरवाइज होगी। वाज का प्रॉब्लम्स के अंदर से खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर आप कहते हैं यार नहीं ये तो अनसुपरवाइज एल्गोरिथम पे जाना है, ये सुपरवाइज वाले सारे काटा उन पे क्रॉस लगा देते हैं, तो फिर आप अनसुपरवाइज वाले को एल्गोरिथम्स पे चले जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्लम इन यूएस अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। फोरकास्टिंग फॉर अनसीन फ्यूचर, ये दो तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यानी कि मुसाकर 3 महीने के बाद कितनी सेल होगी, 3 महीने के बाद सप्लाई फूड की कितनी चाहिए, फूड इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, तो फूड इंडस्ट्रीज है वो सप्लाई करती हैं, तो वो उनको फोरकास्ट करना है कितनी सप्लाई अगले 3 महीने के लिए चाहिए, या ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को देखना है कितनी देर में गाड़ी डिलीवर होगी डीलर, ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की लिखा हुआ है कि कितनी गाड़ियां डिलीवर होंगी। ये मेरी हुंडई की प्रॉब्लम मैंने बताई हुई है कि वो डीलर तक पोर्ट से, ये बैंक कहता है कि मैंने लोन लेना इस प्रॉब्लम पे, मैंने काम बैंक टू फार्म में काम किया था, कस्टमर बैड है या गुड है। ये फूड इंडस्ट्री प्रिडिक्ट करता है हाउ टू सप्लाई, हाउ मैनी सप्लाई इज नीडेड फॉर 1 मंथ ऑफ टू डिफरेंट सीकर्स एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए। अब जब लोकेशन की बात होती है, 48 स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपको प्रिडिक्ट करना, मॉडल का जरा एल्गोरिथम चेंज हो जाता है, तो वो उसके अंदर प्रोडिक्शन लूप के अंदर हम करते हैं, हर हर स्टेट की लदा प्रोडिक्शन करते हैं। यही काम मैं निशान में किया रहा हूँ, यही काम मैंने हुंडई में किया, यही काम ग्रुपिंग के अंदर होता है। तो इंडस्ट्री वांट फास्ट सर्विसेज, तो फास्ट सर्विस के लिए चैट बोर्ड बना लेते हैं, यही जो मॉडल पीछे बने हैं आपके उनको चैट बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई करवा देते हैं। कस्टमर जो भी पूछेगा मॉडल पीछे अप्लाई होगा और वो आउटपुट दे देगा, या कस्टमर की सपोर्ट होगी, या डेटाबेस से कोई रसीद आ जाएगी, या कस्टमर फॉर एग्जांपल कहता है कि मुझे ईटीए बताओ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी, वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो यूज केस है उसे लिंक किया हुआ था, तो वो टाइम जो मॉडल अप्लाई होता है वो कहता है कि 3 दिन में गाड़ी आपकी पहुंच जाएगी डीलर के पास, ठीक है, चैट बॉट के थ्रू। तो ये आपका इंटरफेस होता है एनएलपी। तो ये सब एप्लीकेशन है, देखें इन पे काम करें और इन्हीं के यूज केसेस जो है आप यहाँ से ढूंढें, यूसीए और कैगल से, कार के, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के, बैंक के, क्रेडिट स्कोरिंग के, कस्टमर चर्निंग के, फूड इंडस्ट्री के, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नाउ योर फर्स्ट टास्क आफ्टर दिस फाइंडिंग फाइंड आउट योर आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन फाइंड आउट योर डेटा सेट, ठीक है, एंड स्टार्ट लर्न लैंग्वेज ड्यूरिंग प्री सॉल्व टास्क। तो आप अपनी लैंग्वेज को सीखना शुरू करें, कैगल से लिए पहले से मिल जाएगा आपको प्रोग्राम, लेकिन आप काम करें यूसीआई से डाटा सेट लें, वो आपको सॉल्व हुआ नहीं मिलेगा, वो उस पर आप जो कैगल से डाटा लिए उसको एग्जाम्पल बना के देखें कि वो उसी वो उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, उसको उस वाले पे अप्लाई करें यूसीआई वाले पे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। काम आपने यूसीआई के डाटा सेट पे करना है जो कि सॉल्व आपको नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको कैगल से मिल गया, उस सोल्यूशन को फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है यूसीआई पे, ये आपका पहला स्टेप है। अब आपने डेटा फ्रेम मैनिपुलेशंस करनी है, ये देखें ये वो अप्रोचेज हैं जो हम अप्लाई करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को अपना सोल्यूशन भी बनाते हैं, कहीं पर खुद भी थिंकिंग करनी पड़ती है, अपना एल्गोरिथम बनाना पड़ता है, लेकिन उस वो अप्रोच तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए ये वाला बेबी स्टेप है। पहले आपने बनी बनाई चीज़ को किसी और चीज़ पे अप्लाई करना है, फिर आपने मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके अप्लाई करना है यूसीआई के डेटा सेट पे, फिर आपने करें नहीं बन रहा तो अपना बना लेते हैं, फिर जब करते हैं अप्लाई तो फिर आपको आइडिया आता है कि नहीं इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं,
वो फिर अपना बन जाता है। तो सब कुछ अवेलेबल है, यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई इट। तो फिर उसके बाद लिस्ट का ये कुछ स्किल हैं, डाटा फ्रेम मैनिपुलेशन पे काम करें, लिस्ट अप्रीहेंशन पे काम करें, CSV रीडिंग राइटिंग पे काम करें, क्लीनिंग पे काम करें, रिमूव नल्स वैल्यू पे काम करें, अप्लाई एवरेज टू नल वैल्यूज, टेक एनी मॉडल अप्लाई टू डाटा सेट फीचर्स, उसको फीचर पे अप्लाई करें, गेट रिजल्ट, लर्न हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट। ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव मीन्स बैड कस्टमर, पॉजिटिव मीन गुड कस्टमर। सो एनी क्वेश्चन आंसर नाउ, ask me more question, whoever ask me more question is a good student. So yeah, please. थैंक यू सो मच सर, इस वेबिनार के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। दूसरा ये कि ना आपने पूरा एक तरह से ना समराइज़ कर दिया कि डेटा साइंस में ना क्या क्या जो है एलिमेंट्स वो इतने इंपॉर्टेंट्स हैं। बेसिकली जी हमने तकरीबन सारे स्टेप्स को देखा है प्री प्रोसेसिंग के हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अपने डेटा के जी लिए। सो सर ये बहुत हेल्पफुल था। जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है प्लीज़ आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। जी मैम जरताशिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ओके अंकल हमारे जी, साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कैगल का बताया तो वहाँ पे एक रिसर्च डेटा सेट्स का सेक्शन होता है और अक्सर रिसर्च कंपटीशंस भी हो रहे होते हैं। सो हाउ मच डू यू इंडोर्स अस कि हम उनको फॉलो करें बिसाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ आर रेगुलर डेटा सेट्स इन द कैगल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम डेटा सेट्स अगर फर्ज करें मैं कोई एक डेटा सेट बनाती हूँ जिसे मैं पब्लिश करवाना चाहती हूँ, राइट? सो जैसे आर्टिकल्स को पब्लिश करवाने के लिए वी हैव इंटरनेशनल जर्नल्स, ठीक? तो हमें मुझे डेटा सेट को पब्लिश करवाना है, सो आई डोंट वांट कि वो कैगल वगैरह पे लाइक ये तो एक अनऑफिशियल चैनल्स हैं टू मेक इट अ पब्लिकेशन इन माई गूगल प्रोफाइल, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। तो वो कौन सा राइट चैनल्स हैं? पहला क्वेश्चन जो आपका वो ये है कि कंपटीशन वाला, उसका जवाब ये है कि डोंट अप्रोच कंपटीशन डायरेक्टली राइट नाउ। आपका पहला काम होना चाहिए, ये जो 5 स्किल मैंने आपको बताए हैं, डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग में क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फिर मॉडल अप्लाई करते हैं और फिर डिप्लाई करते हैं। आपने पहला एक डाटा सेट लेके कैगल से लेंगे तो या वहाँ से UCI से लेंगे, कैगल से आप सोल्यूशन देखें, अप्रोच ये होनी चाहिए, और UCI से डाटा सेट लें, या आप अपना डाटा सेट ले रही हैं तो उसको कैगल से सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन को समझें और फिर उसको अपने डाटा सेट पर अप्लाई करें, और या मल्टीपल सोल्यूशंस को देखें अपने डाटा सेट पर अप्लाई करें। और प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स बताई हैं उन पे अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अप्लाई करें, वो आपको ट्रांजिशंस अभी से होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है, कंपटीशन का डाटा जब लेंगे, जब आपने मैंने जैसे अभी बताया कि आपने एक प्लेटफॉर्म किसी भी आई कोड पे चले जाएं, अपने स्किल्स को इनहांस करना है प्रोग्रामिंग के, तो उस वक्त आप जाएं और फिर अपने को टेस्ट करें कि मैंने जो एक डाटा प्रोजेक्ट कर लिया, अब इस प्रोजेक्ट से अगला फर्दर स्टेप कंपटीशन वाला है, तो उसको पहले अप्लाई ना करें, अदरवाइज यू कैन नॉट गेन इट। उसमें यह होता है कि यू लॉस्ट इट, और उस पहले ये 5 स्किल जो है ना, 5 स्किल जो 5 प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बताए हैं, ये 5 स्किल है, इन 5 स्किल में इंडस्ट्री पे काम हो रहा है आपका इंडस्ट्री। मुझे मेरा टीम मैनेजर, डेटा साइंस मैनेजर निशान में ये कहता है कि EDA पे काम करना है, तो EDA में कहता है ये कोरिलेशन प्लॉट बना के लाओ, ठीक है ना, वो कहता है ये मॉडल है टाइम फिर इस, मुझे वो कहता है मुझे इन सैंपल आउट सैंपल पे अप्लाई करो, वो बेसिक स्किल पे बात करते हैं। लेकिन अब मैं उस पर एडवांस टेक्निक्स पे चले जाता हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं, ये प्रोसेस के अंदर ही अप्लाई हो रहा होता है, तो आपको प्रोसेस पे काम करना है, तो पहले प्रोसेस को समझना है, और डेटा सेट अपना बना रहे हैं उसके अंदर वो कैगल से एग्जाम्पल लें और या कंपिटिशन की एग्जाम्पल लें, कोई भी उसको अप्लाई करें और अपने स्किल्स को इन इन 5 जो जो बेसिक स्किल हैं उनको इम्प्रूव करें थ्रू द कोर्सेज। एक तो ये हो गया, दूसरा कंपिटिशन डेटा को अप्रोच करेंगे आप जब आप एक दो प्रोजेक्ट कर लें, देन यू गो फॉर इट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो आप कर रही हैं कि अपने डेटा सेट को पब्लिश करना, देर आर सच प्लेटफॉर्म, राइट नाउ इट्स नॉट कमिंग इन माई माइंड, बट देर आर सच प्लेटफॉर्म जहाँ अपना डेटा सेट को पब्लिश कर सकते हैं, तो वो मैं आपको प्लेटफॉर्म शेयर कर दूंगा, आई विल तो मैं शेयर कर शेयर। सकता हूँ, जी मैं जी इसमें कुछ जी आपको जी इजाजत देता। हाँ जी जी जी, जो डाटा सेट बनाते हैं इसकी भी पब्लिकेशन होती हैं। इट इज अ कंप्लीट वैलिड पब्लिकेशन कि आप एक डाटा सेट बनाए और उस पब्लिकेशन में एक्सप्लेन करें कि आपने कैसे इकट्ठा किया डाटा, कहाँ से इकट्ठा किया। आपको ऐसी पब्लिकेशन मिल जाएंगी, इट विल बी वेरी गुड पब्लिकेशन। और फिर आप उसे बेशक अपने गिटहब प्रोफाइल पे शुरू बना गिटहब पे कर ले, बिल्कुल सही। चाहिए। और गिटहब में ये भी बताएं कि जिस जिस बंदे ने डाटा सेट यूज करना है तो इस पेपर को साइट करें।
इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड। और दूसरा सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप अपना डेटा सेट बनाएं, उसको मॉडल आप अपना बिल्ड कर लें, गिटहब पे पहले दें। गिटहब पे देने के बाद आप उसको साइट का बता दें, और यूसीआई के अंदर जो यूसीआई की डेटा सेट्स हैं उन पे भी यही काम हो रहा है कि वहाँ पे भी डेटा सेट होते हैं और वो साइट का कह देंगे पेपर साइट करें। तो गिटहब और यूसीआई सिमिलर काइंड ऑफ मोड पे है। जी, वो मैंने गिटहब का इसलिए कहा है कि कई दफा जब आप किसी और अथॉरिटी के पास डाटा सेट की रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो थोड़े से जी जी हेजिटेंट होते हैं, टाइम लेते हैं एक्सेप्ट करने, तो उतनी देर बिल्कुल में आप सही, अपने गिटहब पे उसे पब्लिश करें और ताकि लोग यूज करना शुरू करें, और बिल्कुल अपने लिंक्डइन पे उसको एडवर्टीज करें, लिंक्डइन पे जो लोग उस चीज में काम कर रहे हैं उन्हें बताएं उसका, तो बिल्कुल उससे हेल्प हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सही था, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि क्या कहते हैं, सर शर्जील इज वन ऑफ द टॉप प्रोफेशनल्स इन दिस डोमेन, तो प्लीज लिंक्डइन पे ऐड करें एंड फील फ्री टू गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम टाइम टू टाइम जी रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, तो इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जी जी एनी अदर क्वेश्चन, किसी कुछ कोई क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकता है। जी सर, उमर एहतिशाम, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, हमें काफ़ी गाइडेंस मिली उसमें। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो एमएल मेरा एक ऑप्स का क्वेश्चन है आजकल हम आपसे, बड़ा नाम सुनते हैं, एमएल ऑप्स वगैरह, तो उसकी रेशियो फर्स्ट जॉब ऑफ ऑल सर मार्केट में थैंक यू, कितनी है? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चीज़ों को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसके बाद हमें इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैंने कुछ देखा है कि प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आपको जॉब तक नहीं लेके जाते, आपको जॉब तक लेकर जाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेने का तरीका क्या? अच्छा, पहले मैं ये पहला क्वेश्चन का आंसर कर दूं, एमएल ऑप्स का, फिर आपका आंसर करता हूं। इधर इसको, पहला क्वेश्चन जो आप एमएल ऑप्स का पूछ रहे हैं, बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें, ये एक फेज जो मैंने आपको बताया, डिप्लॉय द मॉडल, डिप्लॉय द मॉडल के अंदर एमएल ऑप्स आता है, ठीक है। ये पांचवा फेज है आपका, जो पांचवा छठवां फेज है डिप्लॉयमेंट। तो वो आपका पहले वाले जो पांच स्किल्स हैं डेटा साइंस का, जो प्रोसेस है, डिप्लॉयमेंट तो आखिरी स्टेप है, तो एमएल ऑप्स का काम वहाँ पे आता है। तो एमएल ऑप्स के अंदर ये होता है कि डेटा इंजीनियर्स भी काम करते हैं वहाँ पे, डेटा साइंटिस्ट भी काम करते हैं, समटाइम एमएल इंजीनियर्स भी काम करते हैं। तो तीनों जो है वो स्किल पे काम करते हैं, पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो क्लीनिंग हो रही है, जो मॉडल बिल्ड हो रहा है, जो प्री प्रोसेस हो रहा है, उसको आप एक क्लाउड के अंदर पाइपलाइन बना लेते हैं। अब आपने कर लिया, आप डिप्लॉय कर रहे हैं ना, डिप्लॉय करने के बाद आपने कहा कि भाई उसको स्टेप बाय स्टेप डाटा, नया डाटा आता है उसको लेके आओ, क्लीन करो, फिर उसको एक्सप्लोर करके फीचर्स मॉडल को दे दो, मॉडल फिर उसको डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस चले जाइए, एक पाइपलाइनिंग बन गई। डाटा आया सोर्स से और पाइपलाइन के थ्रू डेटाबेस के अंदर उसकी प्रोडिक्शन चलेगी, ये एक पाइपलाइन को एमएल ऑप्स कहते हैं, बस और क्या। तो एमएल ऑप्स के अंदर एडवांस चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि पाइपलाइनिंग होती है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो एक आधा स्किल इस पे भी, जो पहला मैंने डिप्लॉयमेंट का ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वो क्रॉन टैब है, तो मैंने आपको बेबी स्टेप का बताया। दूसरा क्वेश्चन जो भाई ने किया है, वो ये किया कि इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो मैंने आपको वो वाले प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बताए हैं जो इंडस्ट्री में है, क्रेडिट स्कोरिंग, कस्टमर चर्निंग, ठीक है जी, क्रेडिट स्कोरिंग, कस्टमर चर्निंग, टाइम सीरीज प्रॉब्लम्स, फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स, फॉर सेल्स, फॉर फूड इंडस्ट्रीज डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में अनोमली डिटेक्शन, ठीक है। ये पांच छह सात प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कस्टमर चर्निंग होगी, कस्टमर चर्निंग, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेटफ्लिक्स पे भी है, ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पे भी है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है। ये छः सात प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे ये जब आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करेंगे ना अभी इसी स्टेज पे, और फाइनल प्रोजेक्ट्स के और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में ये वाले छः डोमेन्स में फोकस करेंगे, तो इंडस्ट्री में ट्रांजिशन ईजी होगी। या एलएलएम पे चैट बॉट बनाएंगे, उसको मॉडल से लिंक कर देंगे जो पीछे बनाया, तो उसका इंटरफेस चैट बॉट है, क्वेश्चन आंसर मशीन है। तो वो देखें, आप देखेंगे कि जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, जो एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनको जिन्होंने दूसरी प्रॉब्लम्स पे काम किया, जैसे वेदर फोरकास्टिंग पे या उन चीज़ों पे जिन्होंने इन इंडस्ट्रियल पे किया, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग करते हैं वेदर पे भी और काम है इधर, लेकिन कम है।
तो वो जो 5-6 प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स है ना, वो उनको जल्दी जॉब मिल जाती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है मुझे फोरकास्टिंग करनी है, लोन कंपनी कहती है, बैंक कहता है मुझे अमेरिका में मुझे फोरकास्टिंग करनी है, और ऑटोमोबाइल कहती है मुझे फोरकास्टिंग करनी है। रिसोर्स पूरे नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो जॉब आपको इन्हीं डोमेन्स में देंगे, तो आप पहले से ही रेडी होंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो यार यू आर एक्सपर्ट इन ऑलरेडी एंड यू नो ऑल फेजेस और बेसिक टेक्निक्स, और वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को टच कर रहे होंगे। आप कहेंगे मैंने ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट किया, वो आपका इंटरव्यू भी तभी करेगा कि आपने सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट किया होगा। वो कहेगा कि यार इसने ये प्रोजेक्ट किया, ये तो मेरे से रिलेटेड है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये चीज़ है जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर अहमद, आप क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इट वाज बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। तो माय क्वेश्चन इज के लेट्स से डेट कि हमारे पास एक मॉडल है जो कि दो क्लासेस पे ट्रेन है, दैट कैन क्लासिफाई आदर अ फोटोज ऑफ एनिमल और कैट और डॉग। और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं भी अगर मैं उस मॉडल को बिल्ली, सॉरी बिल्ली नहीं, ह्यूमन की फोटो देता हूँ, तो वो बिल्ली और कुत्तों में से तय में से किसी एक को क्लासिफाई करेगा जबकि वो ह्यूमन है या कोई और एनिमल है। तो ऐसा हो सकता है कि विदाउट ट्रेनिंग दैट मॉडल ऑन फर्दर क्लासेस हम ये कर सकें कि वो हमें बताए कि ये कैट और डॉग नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। अच्छा, बड़े अहमद दल अंसारी साहब, अब मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। ये 3 क्लासेस की प्रॉब्लम हो गई, तो आपने 2 क्लासेस में किया तो उसको अदर में लिख दें, अदर एक तीसरी क्लास आ गई अगर, तो वो तीसरी अदर के अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। अगर आप कोई स्पेसिफाई करते हैं कोई और क्लास, तो उसको स्पेसिफिक बना लें, कैट डॉग और अदर एनिमल और ह्यूमन, ह्यूमन कैटेगरी भी ले लें, तो एक कैटेगरी और लेनी पड़ेगी। उसके फीचर्स होंगे, और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स हैं, उसकी बेस पे इसी इनकोडर और डिकोडर के एल्गोरिथम है, इन्हीं की बेस पे बहुत सारे इमेज के एल्गोरिथम्स डेवलप हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बेसिक्स की हुई है इसकी भी, और मैंने इमेज पे भी थोड़ा सा काम किया है, लेकिन बट आई विल टेल यू फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रूली एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए इंडस्ट्रियल पर्सोनल, इमेज की प्रॉब्लम कम है इंडस्ट्री के अंदर। इमेज की प्रॉब्लम शायद पाकिस्तान में कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस कर रहा हो 50 में से। अगर 50 अभी सब डेटा साइंस में जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा 49 जो होंगे वो इन्हीं 6-7 प्रॉब्लम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इन्हीं पे काम कर रहे हैं, LLM पे, और ये सारी कस्टमर सेगमेंटेशन पे काम हो रहा है, कस्टमर चर्निंग पे हो रहा है, क्रेडिट स्कोरिंग पे हो रहा है, नॉमिनी डिटेक्शन, ये जो इमेज की प्रॉब्लम है, मैंने एकेडमिक्स में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इमेज की प्रॉब्लम करते हैं और दे लाइक टू डू इट। अच्छा जी, ये डिटेक्ट कर लिया, वो डिटेक्ट कर लिया, बट उसकी जब एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कम है, क्योंकि कमर्शियल दौर है, वॉलमार्ट है वो सेल्स पे काम कर रहा है, ऑटोमोबाइल है वो सेल्स पे काम करता है, फूड इंडस्ट्री है वो सेल्स पे काम करता है, डिमांड फोरकास्टिंग पे काम करता है, कस्टमर की डिमांड क्या है। तो जब आप इन चीज़ों पे आते हैं, आप कहते हैं यार मुझे वॉलमार्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान में कॉन्फिज है, कॉन्फिज वॉलमार्ट का प्रोजेक्ट करता है, और बहुत सारे हैं, सिस्टम लिमिटेड है, बहुत सारे हैं। तो कहने का मकसद है कि जब आप वो वाली प्रॉब्लम्स करेंगे जो यहाँ पे हैं, वही आपको वहाँ मिलेंगी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री यूएसए ही है डेटा साइंस की, तो वो आपको वही प्रॉब्लम आपको वहां पे मिलेंगी इंडस्ट्री में। फिर आपको मुश्किल होगी जब आप इमेज में जाते हैं, तो यू फील दैट कि यार प्रोजेक्ट तो सारे रिसर्च के आ रहे हैं इमेज के, अब रिसर्च के आ रहे हैं तो कोई पीएचडी डॉक्टर होगा या कोई वहां पे होगा हेड होगा, वो मुझे दे रहा प्रॉब्लम आगे, आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो कहने का मकसद है फिर आपके नैरो हो जाता है स्कोप, इमेज की प्रॉब्लम रिसर्च में ज्यादा है। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, पीएचडी अगर आपका ट्रैक है तो डेट्स गुड, अदरवाइज इंडस्ट्रियल ट्रैक है तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू कर दें। अगर आपने लुक्रेटिवली यू नीड टू गिव बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड योर फैमिली, देन आई थिंक सो दैट्स अ नाफे एज वेल, सो गो फॉर दैट इज माई ओपिनियन। मैंने भी अनयूजुअल प्रॉब्लम पे शुरू में काम किया था, एंड आई बिल्ड एरवन सिमुलेशन इन MCS, मैं शुरू से रिसर्च में ही रहा,
तो फिर मैंने एमएस के अंदर मैंने इन्फॉर्मेटिक्स का डाटा लिया और क्लासिफिकेशन पे KNN पे काम किया और जेकार्ड के एल्गोरिथम को लगा के डिस्टेंस मेजर को, वो एक नया एल्गोरिथम टाइप अब तो बना हुआ है सब कुछ। तो उस वक्त 2005 में वो किसी ने नहीं किया था, तो मैं कहता था यार मैं बड़ा अनयूजुअल सा बंदा हूँ, मेरे कोई काम ही नहीं कर रहा इसमें। लेकिन अभी देख रहा हूँ तो वो चीज़ें इंडस्ट्री में है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अभी से स्किल पे डेवलपमेंट करें, आपका 15-20 साल का कैरियर है, तो आपने 20 साल के कैरियर पे जब आप पहुंचे तो आपको बेसिक्स तो हलवे की तरह होती है, एडवांस चीजें पता होंगी, और फिर आप लीड होंगे, डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे। ठीक है जी। जी एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम जी वालेकुम मैम, सर। मेरा क्या जी, जी सर पूछ लें, आप पूछ लें। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एज ए बिगनर डेटा साइंस में आना चाहेंगे तो उसके लिए क्या आप कोई स्टैक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, लाइक हाइव, हडूप, इस तरह, तो वो आप थोड़ा इस तो एलेबोरेट कर देंगे। यार जब आप बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं ना, तो बिग डेटा के अंदर सबसे बेबी स्टेप ये है कि जो मैंने क्योंकि आर के अंदर बिग डेटा की बुक लिखी है और मैंने आर के अंदर ही बिग डेटा पे काम शुरू किया था और फिर मैं पाइथन में शुरू किया। तो स्पार्क और डेटा ब्रिक्स, ये दो प्लेटफॉर्म है, स्पार्क और डेटा ब्रिक्स, ये बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है और ये बड़े इजी प्लेटफॉर्म है आपके लिए ग्रैब करना एज इन स्टूडेंट एज पे, और ये इंडस्ट्री में भी है। तो अजोर और AWS पे ज़्यादा काम हो रहा है बेसिकली, तो लेकिन डेटा ब्रिक्स अजोर और AWS से लिंक हो जाता है। तो डेटा ब्रिक्स के अंदर आप जाएंगे तो डेटा ब्रिक्स के अंदर एक फ्री वर्जन अवेलेबल है क्लस्टर्स का, स्पार्क का, वो आपने उसको लॉगिन करना है और उसके अंदर फ्री क्लस्टर पे आप कोई एग्जांपल ले लें नेट पे, स्पेस फोरकास्टिंग की ले लें, ये स्टोर आइटम का डाटा, वॉलमार्ट से रिलेटेड डाटा है ये, बिल्कुल वॉलमार्ट उसी पे अप्लाई कर रहा है प्रॉफिट मॉडल पे, तो उसको वहां पे जाके रन कर लें। तो मैं कहने का मकसद है वो आप फाइनल ये प्रोडक्ट बना लें, डाटा ब्रिक्स फ्री अवेलेबल है, उसके अंदर आप टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है सेल्स की और USA का डाटा है वो स्टोर आइटम का, वो आप देख लें, प्रॉफिट मॉडल लिख लें आप अभी से, तो उसको आप फाइनल ये प्रोडक्ट बना लें डाटा ब्रिक्स पे, उसको रन कर लें और उसके अंदर उसको प्रॉब्लम को अडॉप्ट अपने मुताबिक कर लें, कोई और डाटा सेट ले लें और उसको उसी तरह के एल्गोरिथम पे अप्लाई कर लें। तो कहने का मकसद एवरीथिंग इज अवेलेबल बट यू नीड टू स्मार्टली प्ले एंड दो तीन चीज़ों को क्लब करके, या अपना एल्गोरिथम भी बनाना पड़ता है, अपनी अप्रोचेस भी होती है, लिखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग स्किल इन्हांसमेंट ऐसे ही होगी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे काम करके, और फिर जो आपको स्टेप्स बताए हैं मैंने कि उस तरह से आपने स्किल को इन्हांस करना है, डाटा सेट पे काम करना है, यू नीड टू फोकस ऑन डाटा सेट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ब्रिक्स करें एंड सर, जी हमारा टाइम क्या जी कहते जी हैं ऊपर चला गया, तो कोई एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो बेशक स्टे करें, जी अदरवाइज बिल्कुल वी सही कैन है। कॉल कर लेते हैं। दो दो जी क्वेश्चन स्टूडेंट्स डाल पूछें। जी 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 हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, हाउ कैन आई ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ डेटा साइंस प्रोफेशन? डेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखिए, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल मिला है सिस्को के अंदर, रोल जो मिला है, तो वो कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं भाई, आप कंसल्टेंट हैं लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहाँ पे लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सर को पता है। तो वो यही होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो डाटा साइंस ही है मेरा मेन मेन डोमेन, लोग कहते हैं कि भाई आप पाइपलाइनिंग पे भी काम कर लेंगे बाद को, बाद में आप AI ML ऑप्स पे भी आ जाएंगे, बाद में आप हमारे साथ पॉड्स पे भी काम कर सकते हैं, नेमिंग नेमिंग पे भी काम कर सकते हैं, वो नेमिंग बना लेते हैं आप एक्सटर्नल ट्रैफिक की, तो वेबसाइट्स की नेमिंग कर लेते हैं, क्लस्टर्स पे भी काम कर सकते हैं, तो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टाइटल दे देते हैं और फिर वो पहले डाटा साइंस में प्राइमरी फोकस होता है, काम आपने वही करना था, अगर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसको तो आप बिल्कुल ना समझें कि ये टाइटल आपको डाटा साइंटिस्ट का भी मिल सकता है, प्रिंसिपल डाटा साइंटिस्ट का भी मिल सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी मिल सकता है, रोल आपका वो होगा बेसिकली डाटा साइंस का। तो आप प्रोजेक्ट इसके अंदर कर लें, आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, डोंट फॉर थिंक कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिया तो इसी डोमेन में मुझे मिले, आप डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें आप कोर्सेज मशीन लर्निंग का ले लें, उसमें आप कोर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में मशीन लर्निंग पढ़ें, डाटा साइंस का कोर्स पढ़ लें जो आपके जो भी ऑप्शनल कंप्लीमेंट्री या कोर सब्जेक्ट्स के अलावा जो होते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। जी जी
लास्ट क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, जो आपने 5 स्टेप्स बताए, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इन 5 स्टेप्स पे, मतलब एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बट सर, जैसे आपने कहा कि जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो और मशीन लर्निंग इंजीनियर, मतलब सेम रोल है उनका, ठीक है। वो मॉडल को रिप्लाई करते हैं सारा वो, ठीक है। मतलब डेटा साइंटिस्ट को जो डेटा एनालिसिस से डिफरेंशिएट, वो यही चीज़ करती है कि वो उस पर ML वगैरह अप्लाई करते हैं। सर, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बड़ी कंपनीज के पास वो डेटा इंजीनियर्स को वो हायर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या फिर भी एक डेटा साइंटिस्ट को ये, क्या ये मतलब उसको ये फिर भी ये 5 स्किल्स, मतलब 4 स्किल्स जो उसे पीछे, डेटा क्लीनिंग होगी जैसे, कलेक्शन हो गया, क्या उसको फिर भी लगना चाहिए, क्या ये उसका हेडेक होना चाहिए फिर भी? नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये होता है कि बड़ी कंपनीज में टीम्स होती हैं, उसमें डेटा इंजीनियर्स हो गए, और उसके अलावा मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं, उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के साथ ही मिलकर काम करता है। अपनी आवाज़ ज़रा म्यूट कर लें। तो वो क्या करता है कि वो जो जो मेथोडोलॉजी है उस पर काम करता है कि मॉडल को अप्लाई कैसे करना है। जो मेन चीज़ ये नहीं कि मॉडल आपने ले लिया तो अप्लाई कर लिया डेटा सेट पे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हो सकता है कि मॉडल आपने, यहाँ पे 48 स्टेट है, आपने हर स्टेट के डेटा को ग्रुप करके अप्लाई करना हो। देखिए ये मॉडल है, मॉडल को ग्रुप करके अप्लाई करना है लूप के अंदर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो इसी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मेथोडोलॉजीज बताते हैं, फिर वो डिप्लॉयमेंट पे भी काम करते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो काम करने होते हैं, वो उनको क्लीन डेटा मिल जाता है या एक्सप्लोर हुआ डेटा मिल जाता है, फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल्स पे ही रिकमेंड करते हैं ये मॉडल बेहतर है या ये बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा हैं, और डेटा साइंस मशीन लर्निंग रोल्स भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन डेटा साइंटिस्ट का काम बेसिकली इक्वली यही होता है कि आप उसने भी मॉडल्स को कंपेयर करके एक फाइनल मॉडल बताना होता है। तो वो बेसिकली इट डज नॉट मीन कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो आपने क्लीन नहीं करना। हो सकता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम भी हो क्लीनिंग का, क्लीनिंग पार्ट में भी हो सकता है इन्वॉल्व। तो यू कैन से द बोथ ऑफ देम कम्प्लीमेंट द स्किल्स टू ईच अदर। कई बहुत बड़े दायरे में होता है कि बस उसको कहते हैं आपने कंपेयर करना है और आपने जो है मेथोडोलॉजी बतानी है। तो ये बड़े दायरों में ये डिमार्केशंस होती हैं। जी, बस मेरे ख्याल से डॉक्टर जफर ने कहा कि 2 क्वेश्चन लेते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप किसी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दें, मैं उसको आंसर आपको वहां पे दे दूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जफर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड जी सर, आई बिल्कुल होप। आपने कमाल कर दिया जी। जी, तो बहुत तुषार शुक्रिया। सजील उन चंद लोगों में से एक हैं जो पाकिस्तान से जॉब करने डायरेक्ट अमेरिका आए हैं, स्किपिंग हिज MS एंड PhD फ्रॉम USA। तो क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है, और आपके वेबिनार से पता चल गया होगा कि इन्होंने वेबिनार में माशाल्लाह आपको बेशुमार प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दे दिए हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे है इंशाल्लाह हेल्प लेते रहेंगे स्टूडेंट्स। जी, इंशाल्लाह, तो हमें और ज्यादा लोग चाहिए आप जैसे पाकिस्तान में, जो कि जज़ाकअल्लाह यहाँ खैर। आए सक्सेसफुल हों और बच्चों को भी एक्सेसिबल हों गाइडेंस के लिए। तो बिल्कुल सर बेशक आप अभी साइन अप करना चाहें कर सकते हैं, स्टे करना चाहें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी और को क्वेश्चन है तो प्लीज आई एम हेयर टू आस्क एनी रिप्लाई एनी जनरल क्वेश्चन। सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि केकल पे हमें कॉम्पिटिशन या डेटा सेट्स पे काम करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बिल्कुल पैथन शुरू करी है अभी, जैसे मैं नंपाय पांडास वगैरह पे काम कर रहा था, मैं केकल पे देख रहा था, तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन या डेटा सेट्स होते हैं वो मेजोरिटी जितने मैंने एक्सप्लोर करे वो मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं, मतलब जिस बेसिक लेवल पे डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं थे जितना मैंने देखा। तो अभी बता सही सकते है हैं कि सही। किस तरह प्रैक्टिस की जाए इन डेटा सेट्स को टारगेट करने के लिए जितना मैंने अभी सीखा है। जी जबरदस्त ये क्वेश्चन है। तो आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं? आप आगे MS करना चाह रहे हैं, आप गूगल में जॉब करना चाह रहे हैं, आप किसी छोटी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, आपको 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से वेरी करता है उसके हिसाब से।
मुझे फांग कंपनीज ही टारगेट करनी है इंशाल्लाह, तो मैं उस अच्छा लिहाज से ही तो आपसे। फैंग का, हाँ तो फैंग में जो डाटा साइंस का इंटरव्यू होता है वो भी कोडिंग का इंटरव्यू होता है, लीट कोड का। तो फैंग के लिए पहले लीट कोड पूरा कर लें और उसके बाद मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे। और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आप साथ साथ भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बेशक खुद ना करें, आप महीने में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, वहां पे कि कोई भी टीम ज्वाइन कर लें, वहां 5 से 8 लोग इंटरनेशनली बैठे होते हैं और वो इकट्ठे बैठ के 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरे का पूरा करते हैं। तो आप अगर हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाते हैं तो पहले 2 4 प्रोजेक्ट्स के बाद आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो और आपका सीवी भी भरना शुरू हो जाएगा। फिर आपके इंटरनेशनल रेफरेंसेस होंगे जिनसे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है सर, समझ डज इट आंसर गया, योर क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि जो जुदा फैंग में जो 90% लोग रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं लीड कोड के इंटरव्यू में। तो लीड कोड इज द मस्ट। लीड कोड और लीड कोड से आपको प्रोग्रामिंग वगैरह भी अच्छी हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है, यानी कि यू आर 10x बेटर। अभी जो होता है ना कि एक प्रॉब्लम आ जाता है सारा दिन लगता है सॉल्व करने में, तो अगर आपने लीड कोड किया हुआ है तो वो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। सर थैंक यू आपके सो मच। क्वेश्चन आपके जी सॉरी सर आपसे इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपके आंसर पे एक और क्वेश्चन है सर। आपने कहा था लीड कोड है सर, ऐसे हम लोग हाँ डीएसए में बिल्कुल, लीड कोड कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इजी टू मीडियम टू हार्ड, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेट्स हैं जिसको हम फोकस किया जाए टू टारगेट सम कंपनीज, या हम लोग को सारी प्रॉब्लम्स ही। बिल्कुल। अच्छा अगर आपको महीने की 1 करोड़ सैलरी मिलनी हो इन सारे प्रॉब्लम को करने के बाद, तो क्या आप सारे कर लेंगे? सर मुश्किल होगी सारे करना, तो अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ। आपकी कितनी एजुकेशन है? सर मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ अभी, बैचलर कंप्यूटर फोर्थ साइंस सेमेस्टर में। आपने जिंदगी के 16 साल लगा देने पहली जॉब लेने के लिए, राइट? और आपको जी। मिलेगी 1 लाख रुपए की। आपने 16 साल काम किया, 1 लाख की जॉब मिली। आप कितने और साल काम कर सकते हैं ताकि आपको 1 करोड़ की जॉब मिल जाए? 100 गुना सैलरी बढ़ाने के लिए आप कितना काम कर सकते हैं, कितना काम करने के लिए रेडी? सर रफली 5 to 6 years मैक्सिमम, फाइव टू नॉट सिक्स मोर ईयर्स देन दैट। और ये अगर आप 6 महीने लीड कोड पे लगा लेना तो आप 1 करोड़ रुपए के लिए ले चुके। समझ सही है। तो जी, इसका आसान सा गया सर। तरीका है कि आप आई कोड गुरु पे आए, हम लीड कोड करवा रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सेशंस में आए तो आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए। कौन से क्वेश्चन करने हैं, कब करने हैं, वो सारे हम जो आई कोड की मैनेजमेंट है हम हैंडल कर रहे हैं। सही है। तो एक तो आई लीड कोड करें और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स करने हैं वो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाके करें। 3 दिन में एक नया प्रोजेक्ट आपके सीवी पे आ जाएगा और जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप हर दफा आप डिफरेंट इंटरनेशनल इंजीनियर का काम करेंगे, आपको कम्युनिकेट भी करना आएगा, आपकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी होगी। और जब कोई इंटरनेशनल एम्प्लॉयर या प्रोफेसर आपका इंटरव्यू करेगा तो भाई आपका गला भी बंद नहीं होगा, ब्रेन भी फ्रीज नहीं होगा। डज इट ओके सर, आंसर योर थैंक यू क्वेश्चन? सर। हाँ, यस और सर, इन सब से पहले अपनी टाइपिंग स्पीड मेक श्योर करें 100 वर्ड्स पर मिनट पे हो, क्योंकि ओके जितनी सर, स्पीड आपकी टाइपिंग स्पीड है आपका आपकी परफॉर्मेंस उतनी तेज होगी, लर्निंग में भी परफॉर्मेंस में। सही है। और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर स्पीच प्रोग्रामिंग के लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइक आई नो लैंग्वेज उससे ज्यादा आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होनी चाहिए, बट स्टिल के कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या करने के लिए? मतलब यही लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लीड कोड देखें, अभी जब मैं इंटरव्यू करता हूँ ना तो लॉट ऑफ टाइम तो जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो मेरी लैंग्वेज में नहीं करता। तो आप भी जिस मर्जी लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करें आपको प्रॉब्लम समझ आना चाहिए, उसका सोल्यूशन समझ आना चाहिए। तो जब आपके 200 300 सवाल हो जाएंगे फिर आप बाकी लैंग्वेजेस में भी काम कर सकते हैं, एटलीस्ट कोड रीड कर सकते हैं। तो आपको यू शुड बी एबल टू रीड कोड इन एनी लैंग्वेज एंड यू शुड बी एबल टू राइट अ कंपाइलेबल कोड इन वन ऑफ योर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस।
तो नॉर्मली जो मैंने सुना है, जो इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग करते हैं, कि पाइथन इज इजीएस्ट टू गो, पाइथन से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जी, और आप में से अलैक्म जो सर, लोग नए हैं, आप में से जो लोग नए हैं, मेरी चार कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, तो मॉडरेटर अब आप आपको शेयर कर देते हैं, तो वो टॉक सुन लें, तो उनमें आपके 90% क्वेश्चंस के प्रॉब्लम आ जाएंगे। आप सॉरी, आपको पूरे का पूरा कैरियर पाथ मिल जाएगा, आपके 90% जो आंसर हैं उनके क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। जी, नेक्स्ट। अलैक्म सर, थैंक यू हाँ जी, फॉर वेलकम। सर सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। आपने बहुत सारा जो है ना काम किया है नेशन के लिए, और आज जो है ना हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट हो गए हैं वो कोड एंड प्लेस में। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। मेरा सर क्वेश्चन था, जैसे सर शर्जीत साहब ने जो है ना वो हमें करियर के लिए गाइड किया कि आपको जो है ना प्रोजेक्ट्स करनी चाहिए डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के जो है ना हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स आपको डायरेक्ट करने चाहिए। तो क्या होता है कि सर मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ ना तो यूजुअली यही होता है कि मैं एक पॉइंट पर आकर जो है ना मतलब स्टक हो जाता हूँ जैसे प्रोग्रामिंग में। तो सर उसके लिए पहले हमें जो है ना वो प्रोग्रामिंग मतलब करनी चाहिए, जैसे लीट कोड हो गया वो सॉल्व करना चाहिए, या फिर डायरेक्ट हम जो है ना डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करें। अच्छा, अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि ये डिपेंड करता है कि आपने मिस्त्री बनना है या आपने आर्किटेक्ट बनना है, जो दुनिया की 100 स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं। काम दोनों कंस्ट्रक्शन का करते हैं। जी सर, तो पहले तो सबसे पहली बात, अगर अगर मैं आपकी जगह हूं, मैंने कैरियर स्टार्ट करना हो, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले मैं अपनी टाइपिंग स्पीड तेज करूंगा और रोजाना 30 मिनट प्रैक्टिस करूंगा टाइपिंग की, और उसे लिंक्डइन पे लगाया करूंगा और लिंक्डइन पे क्लेम करूंगा, आज मेरी टाइपिंग स्पीड 30 है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते 40 हो जाएगी। अगले हफ्ते मैं दोबारा लगा दूंगा, मेरी टाइपिंग स्पीड स्टिल 30 आई है, क्योंकि मैंने हफ्ता काम ही नहीं किया, लेकिन मैं अगले हफ्ते लास्ट में काम करूंगा। तो एक पहली तो बात है, टाइपिंग स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको लीड कोड आना चाहिए। जब लीड कोड आप कर लेते हैं, मैंने लीड कोड किया था कैरियर में 15 साल गुजारने के बाद, तो जो मैं काम डेली बेसिस पे दिन में 12-13 घंटे लगा के करता था, मुझे चीजें आती थी। आई वॉज PhD फॉर मेनी ईयर, आई वॉज वर्किंग इन USA, लेकिन जो मैं काम 12-13 घंटे में करता था, लीड कोड के बाद में वो काम 1.5-2 घंटे में करना शुरू होता है। सेम पर्सन, सेम स्किल सेट, सेम एवरीथिंग, सिर्फ मैंने लीड कोड किया। तो लीड कोड से आपका ये जो मसला है ना, कि इस चीज को कोड कैसे करेंगे, वो खत्म हो। आप हमेशा ऑप्टिमाइज कोड लिखेंगे, और अगर आपने लीड कोड नहीं किया हुआ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ स्टक हो जाता हूँ, बिल्कुल, दुनिया का कोई बंदा अगर कोडिंग कर रहा है, अकेले कर रहा है, तो अकेले मेरे जैसे बंदे से नहीं होगी। मुझे पता, मैं स्टक हो जाऊंगा और मैं 3 दिन मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और फिर मैं छोड़ दूंगा, मुझे लगेगा मेरे पास का रोग नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप ग्रुप में बैठ के कोड करें, हाई कोड गुरु में आ जाए क्लास में, हफ्ते में एक आध दफा खुद भी क्वेश्चन कर लें, बाकी दूसरों को सॉल्व करता हुआ देखें, तो आपकी लर्निंग बहुत स्पीड से हो जाएगी। 2 महीने में आपको कोडिंग आ जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि गूगल में या एप्पल में, अमेजोन में हजारों टीमें हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू सिर्फ वो लीड कोड का लेते हैं? इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये दुनिया की बेहतरीन कंपनीज हैं, अगर इन्हें लीड कोड की इम्पोर्ट इतना जोर दे रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ होगा। डज इट मेक सेंस? यस तो अगर सर, आपने लीड कोड एब्सोल्युटली, किया थैंक हुआ यू है, सर। जो काम आप 1 घंटे में करेंगे, लीड कोड के बगैर हो सकता है वो काम महीने में भी ना हो, और लीड कोड के बगैर आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को, आप कोड लिख नहीं सकते अच्छा कोड। तो लीड कोड के बगैर जो आप प्रोजेक्ट करेंगे, वो भी आपने कोड कॉपी पेस्ट किया होगा, जब कोई आपसे इंटरव्यू में उस कोड की इंटरनल पूछेगा, वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना है। सही है? तो लीड कोड से आपको वो चीजें आ जाए। सही क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच सर। है?
सलाम सर, मेरा नाम शरफ आजम है सर। मैं पिछले वर्ष सीबीएस मैथमेटिक्स कर चुका हूँ सर। आपने बहुत अच्छी बात की और मैंने बहुत सर कुछ गेन कर दिया। लेकिन सर अगर आप मुझे 5-10 मिनट में पूरा का पूरा जो ये सेमिनार हुआ है इसको अगर समराइज करें तो हमारे लिए वो चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सेमिनार हमारा हर हफ्ते इसी तरह एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पर्सन आके वेबिनार देता है, जिसका आज दिया है। तो मैं भी कैरियर में, अब देखें दुनिया बहुत स्पीड से तरक्की कर रही है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, अपनी डोमेन में हर बंदा बिजी है। तो मैं भी इवन अपने आप को अपडेट रखने के लिए हर सैटरडे को ये वेबिनार सुनता हूँ, नो मैटर कि मैं कहाँ पे हूँ क्या कर रहा हूँ। तो आप में से जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो हर हफ्ते आए और वेबिनार सुने, और आपको एक नया बंदा आएगा, एक्सपीरियंस बंदा आएगा, और वो अपनी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेगा। जैसे सर शर्जील ने अपनी ट्रिक्स शेयर की है, कोई और बंदा आएगा वो आपको एक डिफरेंट पाथ बताएगा, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएगा। जैसे सर शर्जील ने अपने डोमेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताई, तो उससे आप मेच्योर होते जाएंगे। उससे आप जो प्रोफेसर का इंटरव्यू है, जब प्रोफेसर आपसे बात करेगा तो उसे लगेगा कि आप इसी दुनिया में रहते हैं और आप अपडेटेड हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए ये वेबिनार जो है, सिर्फ यही नहीं, ये वेबिनार सारे के सारे मैंडेटरी होने चाहिए आपके लिए अगर आपने कैरियर में कहीं आगे पहुंचना है। वरना क्या होगा कि आपको काम आता भी होगा, एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी आपने कभी किसी बड़े की बात बड़े को बात करते हुए नहीं देखा, किसी ऐसे बंदे को बात करते हुए नहीं देखा कि जिसका कैरियर का 20 साल का एक्सपीरियंस है। डज इट मेक सेंस? यस सर। हाँ, तो ये सारे रिकॉर्डेड वेबिनार पड़े हैं, तो अगर आपने पुराने देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फेसबुक पे। और ये इन वेबिनार्स की वर्थ आप कह सकते हैं, अगर आप करोड़ों में कह सकते हैं तो जरूर है इनकी वेबिनार की वर्थ। आपको ये बातें ऑब्वियसली वो बंदा नहीं बता पाएगा जो इंडस्ट्री में नहीं बैठा हुआ। सर, जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कोलाबोरेशन की बात की थी, वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपने बताया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, यानी कि पाकिस्तान में हमारे पास 22,000 स्टूडेंट हैं, और इनमें से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो मशीन लर्निंग पे काम ना करना। सर, आपने कुछ प्लेटफॉर्म बताया था ना कि मतलब कुछ लोग आपस में मिलके एक ग्रुप बना के, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके हम रैंडम लोगों को ज्वाइन करें और उनके साथ कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करें? अच्छा सर, जफर जो है वो लेफ्ट कर गया, वो ज्वाइन कर रही। नहीं जी नहीं सर, मैंने ज्वाइन कर लिया दोबारा, तो जी वो सर, जो है तो हाँ, इसके लिए इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होती हैं जो आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे ही पब्लिश होती हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी सुन रहे हैं ना। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? लेकिन सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये बात याद रखें, जो AI की जॉब्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दे आर लेस देन 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जॉब्स। तो फर्स्ट यू शुड बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन यू शुड बी हैव अ स्पेशलिस्ट इन AI। ये बात याद रखें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ हाउ डू यू सी द रेलिवेंस ऑफ लीट कोड के, जब इतने AI टूल्स आ चुके हैं तो यानी कि अगले 10, 20, 30 साल कब तक कंपनियां देखेंगी लीट कोड की बेस पे एवेलुएट करेंगी? आप देख रहे हैं कि ChatGPT, जेमिनी, यानी कि काफ़ी सारे AI टूल्स आ रहे हैं और वो बेहतर से बेहतर भी हो रहे हैं, तो कंपनीज का कब तक फोकस रहेगा लीट कोड पे? को लीट कोड की बेस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करेंगी? क्या ऐसा भी पॉइंट आ सकता है कि जब AI टूल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उन्हें वो सिर्फ बेसिक्स देखें या कोई फील्ड बेस्ड नॉलेज देखें और लीड कोड को ना देखें? ऐसा मेरा ख्याल है कि हमारे लाइफ टाइम में नहीं होगा। कंपनीज को मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अगर आप इजाजत दे दो। जी सर, बिल्कुल। अगर किसी बंदे को लीड कोड नहीं आता तो उसमें और MA आर्ट्स में कोई फर्क नहीं,
बोथ आर इक्वली अनएम्प्लॉयबल इन टूडेज मार्केट, दोनों टेक्नीशियन वो गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ईंट लगाना नहीं आती तो आप कभी भी आर्किटेक्ट नहीं बन सकते जो 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाते, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी वेल पेड जॉब्स हैं, उनके लिए बात स्टार्ट ही लीड कोड से होती है। अगर लीड कोड आता है तो हम आगे बात करेंगे, अगर लीड कोड नहीं आता तो आगे बात नहीं होगी, इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो जाता। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? अगर आपने अपनी जिंदगी में 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट होना है तो आपको लीड कोड आना चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि कोई मुश्किल काम हो तो वो ज्यादा लोग मिलकर नॉर्मली कर लेते हैं अगर एक बंदे से ना हो रहा हो, ऐसा ही है? जी सर, तो क्या कि पाकिस्तान के अगर गांव में से आप 1 करोड़ लोग इकट्ठे करें वो आईफोन बना लेंगे? या 10 करोड़ इकट्ठे करने वो आईफोन बना सकते हैं? वो नहीं बना सकते, दे डू नॉट इवन नो हाउ टू बिल्ड इट। तो अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो यू डू नॉट इवन नो व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज कोडिंग। आपको जस्ट आपने बातें सुन ली है कुछ और उन पे यकीन कर लिया और आगे चल पड़े। तो जो बेसिकली कंप्यूटर में जो वाहिद चीज है जो जॉब के साथ साथ इंप्रूव नहीं होती वो आपकी कोडिंग स्किल्स हैं। अगर किसी बंदे ने बगैर लीड कोड किए कैरियर में 30 साल गुजार लिए हैं तो उसे कोडिंग नहीं आती, आप ये क्या कहते हैं पूरे यकीन से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीड कोड इज द फर्स्ट पॉइंट। और वो और दूसरी बात, लीड कोड अकेले नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता अकेले, मैं ये मानता हूं बात। लीड कोड के लिए आपको ग्रुप चाहिए कि ग्रुप में बैठ के काम करें, और इसीलिए हमने आई कोड गुरु शुरू किया है कि जो मेरे जैसे लोग हैं नॉर्मल आईक्यू के लोग हैं वो आए यहाँ पे बाकी लोगों को क्वेश्चन करते हुए देखें और जल्दी से लीड कोड सीख लें। जी ये नुमान खालिद का क्वेश्चन है कि मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं फैंग में अप्लाई कर सकता हूँ? नुमान आप स्लैक पे अपना सीवी मुझे भेजें और साथ ये बता दें कि मैं रिक्रूटर को क्या बताऊं कि आपको क्यों हायर करना चाहिए पाकिस्तान से, आपके सीवी में ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज है जो कि जो अमेरिका में कैंडिडेट बैठे हैं उनमें नहीं है, ताकि वो पाकिस्तान से बंदा लेके, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको काम आता है तो आपकी बहुत डिमांड है। जी अजान क्वेश्चन है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले करनी चाहिए एआई से, तो क्या डाटा साइंस के लिए भी यही है? बिल्कुल जी, डाटा साइंस के से पहले अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आती, लीड कोड नहीं आता, तो आप डाटा टेक्नीशियन हैं असल में, नाम जो मर्जी अपना रख लें। तो यहाँ पे जो कंपनीज एआई का डाटा साइंस का इंटरव्यू लेती हैं तो 5 में से 4 इंटरव्यू कोडिंग के होते हैं और 1 डाटा साइंस का होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कितना कंपेरिजन। जी किसी और क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। चलिए जी ठीक है, किसी और क्वेश्चन नहीं है तो जी बोले। जी वाले सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में होते हैं उन पे काफी प्रेशर होता है कि इनको जीपीए मेंटेन करनी होती है, प्लस अपने कोर्सेज असाइनमेंट सब चीजें करनी होती है, प्लस ये प्रोजेक्ट्स जो एक्सटर्नल स्किल जो हासिल कर रहे होते हैं हम लोग, प्लस ये लीड कोड जो सारी चीज़ें, आपके लिहाज से आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें, एक बैलेंस इंडिविजुअल आप जब आप ग्रेजुएट हो तो वो आप निकलें, मतलब आप सब चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं कर सकते ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये बात याद रखें कि लाइफ में जब आपको ये लग रहा है कि काम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग द वर्क इन एफिशिएंट वे, राइट? तो मैं बता देता हूँ इसका एफिशिएंट तरीका ये है, एफिशिएंट तरीका ये है आपका कि अगर आप अपने आप पहली बात तो ये है कि जीपीए इज अ मस्ट, अगर आपने इंटरनेशनल कैरियर बनाना है तो 3.5 के अराउंड अबाउट जीपीए होना चाहिए, अगर जीपीए 3 से कम है फिर तो आपको इंटरनेशनल कैरियर नहीं स्टार्ट हो सकता,
तो 3.5 के राउंड अबाउट हो, उससे ऊपर हो, तो देन इट इज वेरी इजी। सो फर्स्ट थिंग इज जीपीए। आपको कोई चीज आती है नहीं आती है, आप सीख बाद में भी सकते हैं, जीपीए बाद में फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जीपीए इज फर्स्ट थिंग। उसके साथ अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना का 1 घंटा लगाएं, तो आप बाय एंड ऑफ थर्ड ईयर यू शुड बी अ वर्ल्ड क्लास डेवलपर हु कैन क्रैक गूगल, अमेजोन, एप्पल इंटरव्यू। रोजाना का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, और कोई होमवर्क ना करें, सिर्फ क्लास में आके बैठ जाएं। आई कोड गुरु डिजाइन ही इसलिए किया गया। तो मेरा ख्याल है 1 घंटा हर बंदा निकाल सकता है, स्पेशली जब जब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोकस बैठे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसको याद करें, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आगे क्लास में बैठ जाए चाय का कप लेके। अगर फ्रेश है तो आप ज्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे नॉलेज, अगर फ्रेश नहीं है तो कुछ बातें सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। और अगर आपसे ये काम नहीं हुआ लेट्स सपोज, तो फिर आप डिग्री के बाद उस वक्त तक जॉब ज्वाइन ना करें जब तक आपके गूगल की इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो जाती। आप जिस तरह लोग सीएसएस करते हैं उस तरह गूगल का इंटरव्यू करें, तो ये 5-6 महीने लगते हैं, 5-6 महीने बाद आप जॉब शुरू कर दें और साथ अप्लाई कर दें। तो दिस इज अ पाथ टूवर्ड्स 1 करोड़ पर मंथ सैलरी। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो आई कोड गुरु पे जितने लोग आ रहे हैं वो इसी गोल को मद्देनजर रखते हुए आ रहे हैं। तो हमारे दिन में 12 सेशन होते हैं, आप उनमें से कोई एक चूज कर लें डेली, अपने आप से प्रॉमिस करें मैंने इसमें जाना ही जाना है, एंड दैट्स इट। और अगर सेशन उस टाइम नहीं हो रहा जब आप अवेलेबल हैं तो हमें बताएं, हम उस टाइम नया सेशन स्टार्ट कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। सही है। अगर आपने जॉब शुरू कर दी और गूगल की तैयारी नहीं की तो फिर आप पूरी उम्र गूगल नहीं जा सकते, फिर आप पूरी उम्र छोटी जॉब्स करें। इंटेल में 2 लाख लोग यहाँ बैठे हैं सिलिकॉन वैली में, वो सारे के सारे इसीलिए इंटेल में हैं, गूगल में नहीं है, क्योंकि उनको बस टाइम नहीं है कि वो जॉब छोड़ के 6 महीने तैयारी कर सके। तो इसलिए ये काम, अगर आप आई कोड गुरु पे आ रहे हैं रोजाना 1 घंटा, तो पहले 3 साल में हो जाएगा आपके अंडर ग्रेड में, चौथे साल में फिर अप्लाई करना होता है पीएचडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप उनका आप लेट हो गए हैं तो फिर आप जॉब स्टार्ट करने से पहले ये काम कर, और इसका फायदा होगा, यू विल बी अ 10x बेटर इंजीनियर जब आप गूगल की तैयारी पूरी कर चुके हो। तो आप पाकिस्तान की मार्केट में भी जाएंगे तो आपको प्रमोशन बड़ी जल्दी मिलेंगे, एंड यू विल बी मच मच वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल अवेयर एज कम्पेयर टू द कम्पिटिशन। सर सॉरी, बस एक क्वेश्चन मेरे को, और तो ये था सर, आपने जी जीपीए की बात करी थी सर, जिन स्टूडेंट का जी फर्ज करें जीपीए फर्ज करें बिलो भी 3 है, या वो मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक अटेन कर सकते हैं 3 तक, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अप्रोच कर सकते हैं उन कंपनीज को जिनकी आप बात करें, गूगल, अमेजोन वगैरह? मुझे एक बार बताएं कि अगर गूगल के पास हजारों सीवी GPA 4 के पड़े हैं दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज के, तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बिलो एवरेज GPA को क्यों कंसिडर करेंगे? जी सर, सही बात है। सिंपल सी बात है। तो जिनका GPA लो है तो उन्हें हम सजेस्ट ये करते हैं, और ये काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं एक्चुअली, कि वो पाकिस्तान में MS स्टार्ट कर दें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो अच्छा GPA ले सकते हैं, और फिर वो MS के 2 सेमेस्टर के बाद अप्लाई कर सकते हैं बाहर। फिर उसमें आप एक्सप्लेनेशन उन्हें दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपका पहले GPA कम है, तो दैट वर्क्स। ओके सर, राइट, तो ये थैंक काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। यू सर। इन केस एनी वन हैज अप्लाइड फॉर मास्टर्स और उसकी कहीं फॉरेन में मास्टर्स के लिए एडमिशन हो जाती है, तो अगर वो वहां पे भी अपने अच्छे स्कोर्स अगर मेंटेन कर सकता है और साथ साथ कोई जॉब भी गेन कर ले, देन इट वुड आल्सो बी आई थिंक इजियर फॉर हिम। देखें, नहीं, मास्टर कहाँ से करेगा? अब बाहर से? बाहर से? रहते हैं। हाँ, अमेरिका से जो मास्टर करना है, मैं बेसिकली जो 90% लोग गूगल में आते हैं वो आते हैं अमेरिका में, घुसते हैं एमएस के लिए, एमएस या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पे। तो हमारे स्टूडेंट पिछले 4 साल से अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में एमएस या पीएचडी में घुसने के लिए GPA 3 से ऊपर चाहिए। और ये बात याद रखें कि एमएस और बीएस फुल टाइम डिग्रीज हैं, अगर आप इन्हें पार्ट टाइम बनाएंगे तो फिर आपको रिवार्ड भी पार्ट टाइम वाला ही मिलेगा, फिर आपको चीजें नहीं आती होंगी।
तो जो बंदा फुल टाइम इन 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 पे फोकस करता है उनको सर्टनली जॉब मिलेगी, दे विल बी प्रेफर्ड, उन्हें चीजें ज्यादा आती हैं। अगर सर जो लोग मतलब बाहर एमएस फुल जो टाइम लेकिन बाहर से कर रहे हैं एमएस और बाहर से कहां से, फॉर सपोज फॉरेन उन्होंने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया एमएस के लिए और उनका एडमिशन हो गया और बैचलर्स में सीजीपीए 3 से 4 3 से ब्लो है तो वो फिर भी कवर उनको हो बेटर जाएगा, बिल्कुल 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 वो कवर हो जाएगा। हाँ लेकिन लेकिन वही है कि बाहर आपका एमएस में आपका जीपीए तब भी अच्छा आएगा अगर आपका अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं। ये जी अजहान का क्वेश्चन है कि डू यू प्रेफर प्रिविलेज यूरोपियन पीएचडी मास्टर स्कॉलरशिप लाइक रस्मस मदर्स लाइक डॉट, इसी तरह अमेरिका में भी फुल ब्राइट होते हैं। तो भाई ये है ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप सारे के सारे या कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप, ये बहुत कम होते हैं। अमेरिका में हर साल फ्यू लैक स्कॉलरशिप आते हैं जो ओपन स्कॉलरशिप होते हैं। जिस तरह अमेरिका में ओपन स्कॉलरशिप पे आना आसान है, फुल ब्राइट पे आना बहुत मुश्किल है। उसकी पाकिस्तान के लिए कोटा होता है। उसकी रीजन क्या है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल अलीट है, हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, वो फुल ब्राइट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए लाखों स्कॉलरशिप है दुनिया में। ये रस्मस मदरसा वगैरह तो टोटल 200-200 स्कॉलरशिप है, डार्ड में आई थिंक टोटल 40-50 होते हैं शायद, और फुल ब्राइट भी तकरीबन 200 होते हैं। तो अमेरिका में 4,000 यूनिवर्सिटीज हैं, एमएस पीएचडी सब में फुली फंडेड होता है नॉर्मली। तो हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट हो और हर डिपार्टमेंट में 10 स्कॉलरशिप भी लगाए तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनते हैं। तो ये बात क्लियर होगी सबको। तो अगर आप मेरी ये कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुने तो उसमें आप ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं डिटेल के साथ। सर ये जिन स्कॉलरशिप्स की आप बात कर रहे हैं इनमें कार्ल टेक और जॉर्जिया टेक इस तरह की जो स्कॉलरशिप अच्छा आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट सर मैं कीजिए। सवाल कर रहा था जी मैं सवाल कर रहा था कि ये जो आपने स्कॉलरशिप्स बताई हैं इनमें कार्ल टेक जॉर्जिया टेक यूसीएलए इस तरह की यूसी बर्कले इन यूनिवर्सिटीज में हम ले सकते हैं एडमिशन जो आप बता रहे हैं स्कॉलरशिप जो लाखों स्कॉलरशिप निकलती है मेरिट बेस्ड हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं एडमिशन, क्यों नहीं ले सकते, सारी दुनिया से लोग लेते हैं। लेकिन आपने सर इनमें अभी एडमिशन क्यों लेना है? क्योंकि सर इनमें जो एजुकेशन है एज आई परसीव जो इनमें जो एजुकेशन है वो बाकी यूनिवर्सिटीज की निस्बत जो है वो यानी कि एक तरह बेहतर है, एक हाई एंड पे बेहतर है, बेहतर है जी कंप्यूटर साइंस बिल्कुल के लिहाज से बिल्कुल। अच्छा आपको पता है कि इन यूनिवर्सिटीज का इन यूनिवर्सिटीज के कितने परसेंट स्टूडेंट गूगल में जाते हैं? नहीं सर एमआईटी के, हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, less than 10% जो गूगल लेवल की कंपनीज में जाते हैं। 90% स्टूडेंट कभी भी जिंदगी में बड़ी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाते जो यहाँ के ग्रेजुएट होते हैं। मैंने अपने कैरियर में तकरीबन 300-400 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया होगा इन यूनिवर्सिटी से, और उनका सक्सेस रेट कोई 10% से ज्यादा नहीं था। 90% को मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी क्या वजह है सर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उसकी वजह से भी पहले आपको जानना ये जरूरी है। आप बेसिकली अच्छी सैलरी और अच्छा कैरियर चाह रहे हैं, राइट? मसला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे के पास अब 50 लाख रुपया, और वो आपको मेरे कहे यार मैं 6 महीने से ना गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, तो क्या आप हैरान होंगे कि जी सर मिल जानी चाहिए? ऐसा ही है। जी सर लेकिन जब आप उस बंदे से और पूछते हैं तो वो कहता है यार मैं ना फिरारी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी गाड़ी है। तो अब आपको समझ आ गया कि वो क्या बलंडर कर रहा है कि जी भाई सर 10 लाख में तो, या 50 लाख में तो फरारी का बम्पर भी नहीं आता। तो भाई हमें ये समझने की जरूरत है कि हम एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं जिसका अमेरिका में कभी कोई किसी ने कोई बंदा नहीं देखा होगा। राइट? तो गूगल, एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये तो हाईली प्रिविलेज यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप इनमें जा रहे हो तो आप उसी तरह जिसमें आप कह रहे हैं मैंने गाड़ी लेनी है और मैंने फरारी लेनी है क्योंकि वो अच्छी होती है, उसमें सीट बड़ी जबरदस्त होती है, मजा आता है ना? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
सही सर, मतलब कि हमारे लिए यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। आपकी जो सोच है वो प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। दिस इज हाउ पाकिस्तान हैज फेल्ड इन द लास्ट 75 ईयर्स। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि आपको उन यूनिवर्सिटीज का पता ही नहीं है जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है, जो आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, आपको पता है कि हाई कोड गुरु का जो सक्सेस रेट है वो MIT, गूगल, स्टैनफोर्ड से ज्यादा है इन बड़ी कंपनीज में जाने का। तो अगर आप हाई कोड गुरु पे आते हैं तो फिर आपको अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये तकरीबन गारंटीड है कि आप फैंग में चले जाएंगे। दैट ठीक इज है, ग्रेट सर। हाँ। तो और आपको पता है हमारे फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं इन बड़ी कंपनीज में, क्योंकि हमने ये सिलिकॉन वैली में स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पे पहले लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वैसे यू कैन ट्रस्ट अवर वर्ड्स। तो ये मेरी चार कार्य काउंसलिंग की टॉक्स हैं, वो सुने तो आपको, मैंने उसमें ये सारी चीजें डिटेल में की गई है, बात की है। तो मैंने एक फिक्रा बोला कि पाकिस्तान के बंदे के साथ तो कभी किसी ने काम ही किया था यहाँ पे, तो क्या ये फिक्रा आपको ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, आपकी क्या परसेप्शन है? जी सर, टोटली मेक सेंस, क्योंकि अमेरिका इज टू बिग, पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो मेक मैं सेंस। समय आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन में कितने परसेंट पाकिस्तानी होंगे, गैस करें। Less than 1% सर, आई गेस लेस लेस, देन जीरो अरे पॉइंट वन अमेजोन में परसेंट टोटल कितने लोग होंगे? अ फ्यू 100,000 और 200। अमेजोन में 21 लाख लोग हैं, ठीक सही है। सर। और 21 लाख में इंडियन कितने होंगे? डोंट नो गेस सर, करें, वो गेस कर दें। 1 लाख शायद 16 से 17 लाख इंडियन होंगे, और पाकिस्तानी कितने होंगे? 500।10,000 पाकिस्तानी 400 कुछ हैं। जी सर। तो ये देखें कि आप कितने अनअवेयर हैं, कि आपको बेसिक सिचुएशन का ग्राउंड पे आइडिया ही नहीं है। तो हमारी टेक इंडस्ट्री में यहाँ पे हमारी जो इंडियन की रेशियो है वो तकरीबन 1:1,000 है, तो वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस तरह अमेरिका में तकरीबन 1 मिलियन फैकल्टी मेंबर्स होंगे, इनमें इंडियन कितने होंगे? इजीली मोर देन हाफ, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में तो अप टू 70-80%। पाकिस्तानी कितने हैं? less than 50। और फिर बात हम करते हैं कि हमने जाना स्टैनफोर्ड, गूगल, हार्वर्ड में, क्योंकि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो इस यहाँ पे हम मिसकैलकुलेशन कर जाते हैं अनअवेयर सिचुएशन की वजह से। ये बात सबको समझ में आ गई है? तो जी सर, आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि बड़ी कंपनी में जाते कैसे हैं, और उसके बाद उसके लिए तैयारी करनी चाहिए जिस तरह लोग CSR की तैयारी करते हैं। तो इट इज कम्प्लीटली डूएबल, क्योंकि अमेजोन हर साल 5 लाख नया बंदा रखता है। तो 5 लाख, जब जब बंदा 5 लाख रखना हो, तो फिर हमारे जैसों का भी, नॉर्मल IQ लोगों का भी नंबर आ जाता है। तो देर आर टू मैनी जॉब्स अवेलेबल अगर आपको लीड कोड आता है। सर सही है, जी, ये जो ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, गूगल के ले ऑफ्स, अमेजोन के ले ऑफ्स, उससे तो ये परसेप्शन बनती है कि इनमें जॉब जो है वो कम हो रही है। आपको किसने बताया ले ऑफ हुए हैं? अभी गूगल ने, अमेजोन ने पिछले साल 10,000 बंदा निकाला था, ऐसा ही है? जी सर, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। तो अमेजोन ने पिछले साल 4,80,000 लोग रखे भी थे, आपको उसका पता है? नहीं सर, वो लिंक्डइन पे या ऐसे हाँ, वो तो मसला ये है कि उस आपको 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 जारी बात है, जो क्योंकि अमेजोन हर साल इतने बंदे रखता है तो इट इज नॉट अ बिग न्यूज, ये मीडिया कवर नहीं करता। तो थोड़े से बंदे निकाल दे, वो थोड़ा सा अपने अपने अमेजोन अपने कपड़े झाड़ता है, थोड़ी सी गर्द उड़ती है, तो वो कहते हैं हो, बंदे निकल गए, और वो सारे बंदे दोबारा लग गए थे। और इनमें से भी नॉन इंजीनियर ज्यादा थे। जो कोडर है ना, कोडर को कोई नहीं निकालता, जिसे कोड करना आता है ही इज द किंग। कोडर की इस वक्त इंतहाई ज्यादा डिमांड और हमेशा रहेगी। चलें जी, आई होप के स्टूडेंट्स को कुछ फायदा हुआ मेरी बातों से, कुछ पता चल गया चीजों का। तो जी, थैंक यू वेरी जो मच कोई, सर। जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट है, कोई कोई साथी को फीडबैक देना चाहे?
कोई चीज का फायदा हुआ हो आपको या कोई चीज इम्प्रूव कर सके। सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और सर मैं एक बात कहूँगा शायद आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है और हम मैथमेटिक्स को बैकग्राउंड में मद्देनजर रखते हुए आगे जाना चाहते हैं सर, तो उसके लिए अगर आप एक एडवाइस देना चाहेंगे तो फिजिक्स मैथमेटिक्स वालों के लिए तो आप बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, एडवाइस ये है कि आप लीड कोड करें तो गूगल में आपके लिए लाखों जॉब्स हैं, बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए की सैलरी पे। अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो इंडस्ट्री में एडवांस वर्ल्ड में आपकी कोई जॉब नहीं है, फिर आप स्कूल टीचर बने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हम अभी स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं नेचुरल साइंस वालों को जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, और हम उन्हें तैयार कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं अमेरिका की टॉप की कंपनीज में काम करें। थैंक यू सर, ठीक है, जी सर, तो कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर साइंस इज द सब फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यस सर, एआई इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, डाटा साइंस इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, कोडिंग इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अगर किसी बंदे को कोडिंग नहीं आती तो ही इज नॉट अ गुड मैथमेटिशियन। यस सर, हमने ठीक है, पाकिस्तान में तो यही सुना है कि अगर आपने मैथमेटिक्स कर ली तो आप एक गुड मैथ टीचर ही बन सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में हाँ ऐसे ही हो। वो उसकी रीजन हमारे यानी कि हमारे ग्रेजुएट की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते, अदरवाइज दुनिया में मैथमेटिक्स की बहुत डिमांड है। गूगल में जब आप इंटरव्यू, गूगल की शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी जिसमें कंप्यूटर साइंस वाला अप्लाई कर सकता हो और वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स वाले को वो जॉब पे ना रखे, शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी दुनिया में। जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है मैथ का या फिजिक्स का वो यही कंपनीज है। ठीक है, जहां थैंक यू सर, जी सर, पे लाखों की तादाद में लोग काम करते बहुत फायदा हुआ सर हैं। आप लोग। सर आपने फीडबैक का पूछा था, मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हुई है। मैं देख रहा था आप एनवीडिया में भी आप शायद आपने काम किया है, तो मैंने जी, कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तानी कोई वहाँ पे काम करता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक ऐसे इंडिविजुअल से बात करी जो कि जिसको माशाल्लाह इंटरनेशनल बिल्कुल सर, एक्सपोजर भी है। तो मुझे सर पर्सनली, मैं देखता रहा यूट्यूब वगैरह पे, इंडियंस भरे पड़े हुए हैं इन कंपनीज में, मुझे लगता था कि सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन एक आज एक नई होप मिली है कि हम लोग भी शायद वहां जा सकते हैं। थैंक यू सर सो मच सर मेरे आपने। मेरे एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पे लोग जो आते हैं ना, वो आ तो जाते हैं क्योंकि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि नॉर्मल देहात कैसे आए। तो हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम नॉर्मल पाकिस्तानी देहात के बच्चे को उठा के इन कंपनीज में ला रहे हैं, तो हमारे फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं इन कंपनीज में, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। ठीक है, तो वी आर वर्किंग एट अ बिगर स्केल, मच बिगर स्केल, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हूँ। सही है, वी आर अ बिग टीम। सर तो आप लोग एक कम्युनिटी बनी हुई है जो जिन स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं जिनको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कम्युनिटी है आप लोगों की? हाँ जी, इसका नाम है आई कोड गुरु, उन्हें वहां पे ज्वाइन करें, वहां पे आप सीनियर लोग भी आते हैं, जूनियर भी आते हैं, सब आते हैं। ओके सर, थैंक यू देखे ना, सो मसलन मैं मच। आपको एक बात बताऊं, अगर एक बच्चे को चलना ना आता हो तो डज इट मेक सेंस कि हम उसके लिए एक क्या कहते हैं कोच रखें जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करवाता हो? इट जी इज वेस्ट बिल्कुल, ऑफ, उसे समझ ही नहीं आएगी क्योंकि उसे चलना ही नहीं आता अभी। तो भाई पहले चलना सीख लें, कोडिंग अपनी पूरी करें, लीड कोड पूरा करें, फिर आपको उन लोगों की बातें समझ आएंगी। उससे पहले ये फजूल है कि उनसे बात करें। सही है? जी सर, हाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं कि हाँ, प्रूफ यू आर सीरियस। जब आप सीरियस हैं तो आप 200% एफर्ट लगाएंगे, हम 200% लगाएंगे आपकी सक्सेस के लिए। यस सर, बहुत मोटिवेशन मिलती है सर आप लोगों से। जजाकअल्लाह सर, इंशाल्लाह इतनी मैं चाहता हूँ कि इतनी मोटिवेशन मिले कि आप अगली क्लासों में भी नजर आए, आप बिजी ना हो जाए। काफी सारे लोग इंशाल्लाह, बिजी हो जाते हैं, नहीं फिर सर, उन्हें नहीं एक सर, साल बाद याद आता है कि अच्छा वो आई कोड ग्रुप में मैं गया था तो मैं बिजी हो गया था। फिर नहीं सर, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे फिर। हाँ अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल सर। जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, मैं एक कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह भाई ने कहा कि मैं फिजिक्स से हूँ, तो मैं खुद मैथमेटिक्स से हूँ। मैं आई कोड गुरु से तकरीबन 3-4 महीने से रेगुलर हूँ, सेशन भी दे रहा हूँ, ले भी रहा हूँ। जो मुझे डिफरेंस फील हुआ है,
मुझे कोडिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मेरे जो कुलीग्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर चुके हैं या सीएस कर चुके हैं, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये तुमने किस तरह किया या किस तरह कर सकते हो, तो दो तीन को मैं आई कोड गुरु पे इन्वाइट भी कर चुका हूँ। तो आई कोड गुरु ने मुझे जो कुछ दिया है शायद किसी यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीएस वाले को दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। और ये पिछले जो कंपटीशन हुआ था कोडिंग टेस्ट में, तो उनमें से मैं भी एक था जो मैंने 9 out of 9 क्विज हल किए थे बिकॉज ऑफ द आई कोड गुरु, सो थैंक यू हार्वर्ड का सो जो मच सर। कंपटीशन है जी सर, जी सर, जी, हार्वर्ड का, हाँ हार्वर्ड में हमारे 600 बच्चों ने विन किया, जिन्हें हार्वर्ड ने सर्टिफिकेट दिया कि आपने कंपटीशन विन किया। सही है, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं कि उन 600 बच्चों में आप भी हो सकते थे अगर आप आईक्यूड ग्रुप पे होते, तो आपके सीवी पे हार्वर्ड का नाम आता। यस सर, मैं भी फीडबैक देना चाहूंगा कि मुझे भी जी बंत हो गया आई कोड गुरु को ज्वाइन किए हुए, और मैंने पजल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था तो 8 of 9 पजल्स सही हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, तो बहुत शुक्रिया। और लीड कोड सेशन भी ले रहा हूँ और आईएलटीएस की प्रिपरेशन भी की है, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप लोग थैंक यू करते हैं ना, थैंक यू करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप लोग अमेरिका पहुंचे, फिर सिलिकॉन वैली में जॉब करें, फिर मुझे मैसेज करें, सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने थैंक यू कहना है आपका, तो कहाँ मिल सकते हैं। तो हमारा एक स्टूडेंट ऐसे कर चुका है, तो दैट विल बी एक्चुअल थैंक यू। जिस तरह मैं एक्चुअली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड, इसी तरह एक्चुअली फिजिकली आप लोग थैंक यू कहें, आई वुड लव दैट। और ये बिल्कुल डूएबल है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू गाइस। आप में से अगर किसी के ख्वाब हैं तो हम हाजिर हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो ख्वाब पूरा करने के लिए, और अगर किसी के ख्वाब नहीं है तो वो ख्वाब देख सकता है विद द ट्रस्ट के वी विल हेल्प हिम। ठीक है, चलें जी ओवर टू द होस्ट। तो थैंक यू वेरी मच। तो जिन लोगों ने क्या कहते हैं कुछ और अगर आपने पिंग करना है, यू कैन पिंग मी ऑन स्लैक, यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन, तो आई एम अवेलेबल टू गाइड। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें और वो क्वेश्चन रिपीट ना करें जो उसमें ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं, ताकि टाइम बच जाए। तो आई होप, और उसके बाद जिंदगी में बड़े ख्वाब देखें और जिंदगी में लाइफ एंजॉय करें और उस लेवल पे जाएं जहाँ पे लाइफ एंजॉय होती है। और क्योंकि मेहनत तो करनी करनी है, जब मेहनत करनी है तो आप वो वाला काम करें जिसमें रिवार्ड 100x से ज्यादा है। वो वाली मेहनत ना करें जिसमें सारा दिन मेहनत भी करें और शाम को पता चले कि अगर बिजली का बिल दे दें तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, अगर बच्चों को स्कूल भेजें तो बिजली के बिल के पैसे नहीं। सही है, तो ओके जी, क्या कहते हैं कि ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए और क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए। सो नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर और एक नए वेबिनार के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सर जुबैर, आप मीटिंग हेड कर दें। जी, एंड करते हुए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जी कल सर, डॉक्टर जफर शाहिद का यूईटी लाहौर में एक वेबिनार है, तो आप सब कोशिश कीजिएगा कि उसको जरूर अटेंड करें। उसकी डिटेल्स हैं वो हमारे स्लैक चैनल पे शेयर्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन आई विल डेफिनेटली रीशेयर देम। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।